नमस्कार सभी को, मैं आरती थावरानी आपका फिर से आज स्वागत करती हूँ हमारे चैनल मॉम मिरेकल्स ऑफ मेडिटेशन में। ध्यान की चमत्कार सीरीज में आज हमारे साथ एक ऐसे डायनामिक मास्टर जुड़े हैं जो उम्र में तो काफी यंग है बट उनकी ध्यान साधना काफी पुरानी है। लेट्स मीट मिस्टर यश जैन। वेलकम यश जी। नमस्ते। नमस्ते, हमें अपने बारे में कुछ बताइए। हाँ, मेरा नाम यश जैन है और मैं नागपुर से हूँ और मैं 11 साल से मेडिटेशन कर रहा हूँ। 2011 से मैं PSSM से जुड़ा हूँ। आप क्या करते हैं सर? मैं राइट नाउ आई एम डूइंग केमिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम लक्ष्य इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। अभी मेरा फाइनल ईयर चालू है और प्लेसमेंट भी हो चुका है। क्या बात है, सो यू आर स्टिल स्टूडेंट। बहुत या बढ़िया सर। अच्छा, आप कितने साल के थे जब से आपने ध्यान शुरू किया? मैं 11 साल का था। वाह, इट्स वेरी गुड नंबर, 11/11, 2011। दो ग्रेट। 2000 का मेरा डेट ऑफ बर्थ, मतलब ईयर जो है 2000 का है। ओके, 2011 को पापा ने ध्यान फर्स्ट स्टार्ट टाइम मेरे को किया। पत्री सर से मिलाया था, ओके, अच्छा, तब से ही PSSM से जुड़ा हूँ। मतलब आप अपने फादर के थ्रू ध्यान के बारे में जाने। ही या इज आल्सो मेडिटेटर। यस, आई गॉट ऑल द वैल्यूज फ्रॉम हिम इटसेल्फ। आपकी ध्यान रथ की यात्रा तो काफी लंबी है, तो हमें इनसे इस जर्नी के बारे में सब कुछ बताइए। ओके। सो जैसे कि बचपन से हम देखते आ रहे थे, पापा ध्यान करते थे, तो उनको देखते हुए हमें एक जिज्ञासा मन में उठती थी। तो हम पूछते थे क्या है, कैसा है। तो बचपन से पापा हमें बताते थे कि ध्यान करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। फिर धीरे धीरे 2011 में फर्स्ट टाइम उन्होंने मेरे को PSSM, मतलब नागपुर में सेंटर है पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी का, जहाँ पे पिरामिड रूम है, वहाँ हमको ले गए थे, मेरे को ले गए थे पापा। तो फिर फर्स्ट टाइम किया तो धीरे धीरे ऐसे कहते, पत्री सर ने भी एक मैसेज दिया है कि बचपन से ही आपको ध्यान सीखना है। ऐसा नहीं कि ध्यान जो है कई लोगों के मन में रहता है कि हम लोग जब रिटायर हो जाएंगे, बड़े हो जाएंगे, 40 के हो जाएंगे, उसके बाद भी ध्यान चालू कीजिए। बट मैं सबको यहाँ एक मैसेज देना चाहूंगा, जितने छोटी उम्र में ध्यान चालू करेंगे उतना अच्छा रहेगा, उतना इफेक्टिव रहेगा। और ये देखा जाता है कि हमें जो ध्यान करना है वो हमारी उम्र के हिसाब से करना है, स्टार्ट उम्र के हिसाब से करना है। तो जितना जल्दी हो सके आप अब अपने आसपास जितने भी छोटे लोग हैं उनसे शुरू कीजिए स्प्रेड करना, और उसी हिसाब से फिर धीरे धीरे अपना टाइमिंग बढ़ेगा। तो मैं एक मेरी स्टोरी शेयर करना चाहूंगा। फर्स्ट टाइम जब मैं पत्री सर से मिला था तो उनके स्पीच में मैंने सुना था, वो कह रहे थे कि हाँ आप लोग गॉड हो, आप लोग ही खुद भगवान हो, आप किसी और को मत पूजिए। और उन्होंने ऐसा कहा था कि आई एम नथिंग, मतलब मैं कुछ भी नहीं हूँ, जो भी हो आप ही हो, आपका ब्रेथ ही आपका भगवान है, आप ही सब हो, जो भी नॉलेज आपको मिलेगा वो आपसे ही मिलेगा। तो मैंने जब फर्स्ट टाइम सुना, आई वाज लाइक शॉक, मैं पूरा मतलब शॉक हो गया था कि कोई ऐसा कैसे कह सकता है कि आप भगवान हो और आप ही के अंदर सब आंसर छुपे और आपसे ही सब होने वाला है। तो एक इंटरेस्टिंग चीज ये है कि मैं उसके पहले भी कई चीजों से कर चुका था, आर्ट ऑफ लिविंग कर चुका था। फिर मंदिर वगैरह में जाते हैं तो कई गुरु को सुनते हैं तो वो कहते थे मैं सर्वस्व हूँ, मैं बड़ा हूँ, भगवान बड़े हैं, आप उनसे छोटे, वैसे सुनता था। तो मैंने पापा से एक छोटा सा क्वेश्चन किया कि पत्री सर ऐसा कैसे कह सकते हैं, मतलब मैं फर्स्ट टाइम सुन रहा हूँ कि यार ये क्या बात, क्या चीज, क्या है ये कि ऐसे कोई बंदे के पास हम जा रहे हैं जो कह रहे हैं कि मैं कुछ भी नहीं हूँ, सब आप ही हो। तो ये नई सोच हमको उस दिन मिली थी और बहुत इंटरेस्टिंग सा लगा था। फिर धीरे धीरे उस गहराई में उतरते गए और धीरे धीरे पता करते रह गए। और जैसे जैसे ये रास्ता ऐसा है कि आप खुद चलोगे तो और उसको और बड़ा होते चले जाएगा और डेप्थ में होते जाएंगे। तो इसी से मेरी शुरुआत हुई थी और फिर धीरे धीरे मतलब और मजा आता गया और ध्यान का टाइमिंग बढ़ाते गया और फिर धीरे धीरे होते हुए मुझे इंटरेस्ट और बढ़ता गया। और अभी आज मैं खुद मेडिटेशन भी सिखाता हूँ, हर सैटरडे को जूम मीट पे मेरे जितने भी कलीग्स हैं उन सबको मैं मेडिटेशन सिखाता हूँ और साथ में कई सारी चीजें भी करता हूँ, जैसे मेडिटेशन के साथ में उनको विजुअलाइजेशन टेक्निक कराता हूँ। मेडिटेशन का विजुअलाइजेशन मेरा एक है सेशन, म्यूजिक के साथ में मैं खुद गाइड करता हूँ, तो कई सारे सेशंस है वो लेता हूँ।
क्या बात है सर, बहुत बढ़िया। तो सर आप इतना जो लंबा पीरियड था, आपको क्या मेजर चेंजेस दिखाई दिए अपनी लाइफ जर्नी में बिकॉज ऑफ मेडिटेशन, उसका इम्पैक्ट क्या हाँ फील हुआ? देखिए, सबसे बड़ा मेजर चेंज जो मैं अपने आप में देखता हूँ, ध्यान के पहले और ध्यान के बाद में, आई एम नाउ 100% फोकस्ड ऑन माय ट्रैक। पहले ऐसे सोचता था, मतलब गोल नहीं होते थे, 24 घंटे का जो पीरियड लगता था वैसे बहुत बड़ा लगता था, बट जैसे ध्यान करना चालू किया, आई लर्न एक्चुअली बहुत सारी चीजें सीखी, बट सबसे बड़ी बात जो सीखी मैंने, जो प्रेजेंट में रहना, द पावर ऑफ नाउ जो है, रिसेंटली एक बुक भी पढ़ा हूँ मैंने, इकार्ट टोले की, अभी और पूरी खत्म होने की, पावर ऑफ नाउ नाम की बुक है, 45 लेके आया था मैं वो बुक, पावर ऑफ नाउ, इकार्ट टोले। तो प्रेजेंट में रहना मैंने सीखा ध्यान में, और कि बहुत खूबसूरत सी चीज है, जब हम हमारे सांस की तरफ ध्यान देते हैं, सो एट दैट इंस्टेंट, एट दैट पीरियड ऑफ टाइम, वी आर लिविंग आर लाइफ, मीन्स उस प्रेजेंट मोमेंट को हम जीते हैं। और जब हम धीरे धीरे ध्यान करोगे, ध्यान का टाइम बढ़ाओगे, तो आप अपने गोल को मैनिफेस्ट करना सीखोगे, आप अपने ट्रैक से भटकोगे नहीं, आप 24 घंटे का पूरा इस्तेमाल करोगे, पूरा जितना हो सके उतना। ऐसा नहीं कि सिर्फ आप सिर्फ सीरियस रह के अपने काम पे लगे, आप एंजॉय भी 100% करोगे। जैसे कि एक छोटी सी बात मैं यहाँ कहना चाहूंगा, मैं श्री कृष्ण भगवान से एक सीखा हूँ, एक चीज होती है सेलिब्रेशन और एक एंटरटेनमेंट। तो मैं ये कह सकता हूँ, ध्यान करने के बाद में मैं सेलिब्रेट करता हूँ, ध्यान करने के पहले मैं एंटरटेन करता था। अब इन दोनों के बीच का हम फर्क समझ सकते हैं। एंटरटेनमेंट की ऐसी चीज है, आप किसी आगे वाले को नाचते हुए देख रहे हो और उसका मजा ले रहे हो, और सेलिब्रेशन एक ऐसी चीज है, आप खुद नाच रहे हो, आप वो खुद के लिए कुछ कर रहे हो। सो ध्यान करने से मैंने अपने जीवन में कई सारी चीजें पाया, और हर एक मिनट, हर एक सेकंड का इम्पोर्टेंस जाना, और मैं पूरा एक्सट्रैक्ट करता हूँ जितना पर सके, अपने 100 पोटेंशियल की तरफ पहुंच रहा हूँ, और धीरे धीरे और वो एनर्जी बढ़ रही है, और अभी और बहुत कुछ हासिल करना है। दैट्स इट। क्या बात है सर, ये तो मतलब बहुत सारा आपने एक साथ हमें बता दिया कि क्या क्या आपने फील किया ध्यान के थ्रू। प्रेजेंट में राइट, रहना, इतने मैनिफेस्टेशन का पावर, विजुलाइजेशन का पावर, ग्रेट। यस, अच्छा ऐसे कोई इंसिडेंट, मतलब कोई ऐसा अनुभव जो आपको लगा हो कि आपने सोचा भी ना हो और ऐसा हुआ बिकॉज ऑफ यस, मेडिटेशन? देर आर एन नंबर्स ऑफ एक्सपीरियंसेस आई हैव गॉन थ्रू, बट अभी रिसेंटली, जैसे अभी एक छोटा सा बताना चाहूंगा, जैसे कोरोना पीरियड था, तो हम सब घर पे थे, और व्हाट हैपेंड, मुझे थोड़े सिम्टम दिख रहे थे कोरोना के, एंड मैंने ध्यान में एक संकल्प लिया था कि मैं दवाइयां नहीं लूंगा करके, कुछ दिनों तक मैंने ऐसा एक संकल्प लिया था छोटा सा, और एक बुक भी पढ़ रहा था साथ में, तो सीतायन नाम की जो बुक थी वो पढ़ रहा था साथ में मैं, तो उसमें एक था कंसेप्ट नेचर के साथ हीलिंग, जो बुक में सीता माँ ने हमको समझाया था, तो मैं उसको अप्लाई करना चाह रहा था। तो मैंने ध्यान में बैठने से पहले संकल्प लिया, और मैंने कहा कि सिम्टम तो है अभी, मतलब टेस्ट करने की मेरी इच्छा नहीं हो रही थी, तो मैं ध्यान में बैठते हुए कहा मैंने कि मेरे को मेडिटेशन से ही मेरे को इसको क्योर करना है, अभी चाहे वो कितनी भी बड़ी बीमारी हो, मेरे को क्योर करना है। और मम्मी मेरी, मम्मी का तो स्वभाव होता है ना सर, दे आर ऑलवेज वरीड अबाउट अस कि मेरे बेटे को कुछ हो ना जाए, शी वॉज लाइक जा जल्दी हॉस्पिटल में जा, मतलब एटलीस्ट क्वारंटाइन तो भी हो जाए, मतलब सिम्टम है हल्के में मत ले, बोला नहीं जो होगा देखा जाएगा, मैं मेडिटेशन, बिकॉज लॉकडाउन चल रहा था एंड आई वॉज फ्री, मीन्स पूरा फ्री था, तो मैं एक्सपीरियंस करना चाह रहा था कि पिरामिड एनर्जी को एक्सपीरियंस करना चाह रहा था। सो एट दैट टाइम ना, आई वॉज स्पेंडिंग मोस्ट ऑफ माई डे आवर्स इन नागपुर सेंटर, सुबह जाता था, 6 बजे जाता था, और डायरेक्ट 12-1 बजे आता था, तो कंटिन्यू मैं उस प्रोसेस में था, बिकॉज कहते जितना बड़ा आपको क्योर करना है, उतना ज्यादा टाइम आपको पिरामिड के नीचे बिताना चाहिए। सो मैं 100%, मैंने एक भी दवाई नहीं ली, और मैं कंटिन्यू 7 दिन तक मेडिटेशन किया, मतलब नागपुर सेंटर में जाके कम से कम 4 घंटा तो बैठा, एट ए इंस्टेंट वंस, एक बार बैठ गया तो डायरेक्ट तीन से चार घंटा उठता था। हाँ, फिर बाद में उठने के बाद में जैसे उठ गया, मैं एक बार एक प्रैक्टिस चालू किया था मौन रहने की, तो मैं जैसे मेडिटेशन होता था मौन में बुक पढ़ता था, वो भी वहां पे मस्त गार्डन है सेंटर पे हमारे, जहाँ पे कई सारे
प्लांट्स लगे, फ्लावर्स है, फिर लौकी है, ब्रिंजल्स, तो वहां पे जाके बैठता था और बहुत प्लीजेंट सा नेचर रहता था। और वहां पे 10 बजे से 12 बजे तक भूख पड़ता था और गर्मी भी रहती थी पर मेरे को महसूस नहीं होती बिकॉज नेचर के साथ में रहता था। भूख पड़ते हुए थैंक यू बोलता था, जो मैंने एक और एक चीज सीखी, पावर ऑफ ग्रेटिट्यूड। थैंक्स, जितना थैंकफुल आप रहोगे उतना आपको और मिलेगा। सो मैं, आई वॉज थैंकफुल फॉर क्यूरिंग मी, आई वॉज थैंकफुल टू पत्री सर, आई वॉज थैंकफुल टू पिरामिड एनर्जी कि मेरे को ठीक कर रहे हो। तो मैं ऐसे विजुअलाइज करता था कि मैं ठीक हो चुका हूँ, मेरे अंदर कोई बीमारी नहीं है। तो ऐसा ही चमत्कार ही कहोगे या उसे क्या चमत्कार ही कहोगे, विदाउट एनी मेडिसिन मेरी पूरी पूरी तबीयत ठीक हो गई और मम्मी भी शॉक हो चुकी थी, मतलब बिना दवाई के कैसे हो गया, मतलब पिरामिड एनर्जी पूरा है। मम्मी को बताया था ये, मैं जब सिखाता हूँ बाकियों को भी तो वो लोग भी शॉक हो जाते हैं और कई सारे लोग धीरे धीरे अभी मेरे कारण जुड़ भी रहे हैं। तो ना कि सिर्फ मेरे एज के, मैं बड़े, मेरे से बड़े एज के भी लोगों को जिनको कुछ तकलीफ है उनको मैं सिखाता हूँ कि आप ध्यान कीजिए, कई सारे प्रॉब्लम्स आपके क्योर होंगे, और ना कि सिर्फ क्योर होंगे, आप उससे और ऊपर उठोगे। तो ये सिखाते हुए मैं कई लोगों को मैं ट्राई कर रहा हूँ ध्यान में लाने का, जो कि हम सबका सपना है, पत्री सर का सपना है ध्यान जगत का, उससे साकार करने का मैं सोच रहा हूँ। वाह सर, मतलब आपने हीलिंग को एक्चुअली में फ्रूटफुल किया थ्रू यस यस पिरामिड्स. दैट इज अ ग्रेट यस एक्सपीरियंस, वेरी अलोंग विथ नेचर, पावर ऑफ नेचर, अलोंग विथ पिरामिड पावर ऑफ एनर्जी प्लस नेचर, पावर ऑफ नेचर पावर ऑफ और ग्रेटिट्यूड, पावर ऑफ ग्रेटिट्यूड, अफर्मेशन यस, वो भी यूज किया था। पावर ऑफ और मैनिफेस्टेशंस. यस, जो पावर ऑफ थॉट्स, अपने अंदर एक भी नेगेटिव थॉट्स नहीं आने दिया मेरे को, जितने भी यस कंटिन्यूसली पॉजिटिव थॉट्स लाते गया और सिर्फ 7 दिन में मैं एकदम 100% प्योर हो गया था। बहुत अच्छा लग रहा था वो, क्या बात तो है. इसलिए अभी ट्राई करता हूँ कि मेडिसिन से थोड़ा दूर रहा जाए और जितनी भी अपनी हेल्थ है उसको मैं मेडिटेशन से ही कंटिन्यू करना चाहता हूँ। एक्चुअली मैं आपको सुन के इतना इंस्पायरिंग लग रहा है, ये अनुभव सुन के कि यस यू कैन मैनिफेस्ट एंड यू कैन हील योरसेल्फ. बिकॉज हम सुनते तो हैं यस बट उसको अप्लाई करना इज वेरी डिफिकल्ट. और जब आप एक्चुअली में बीमार होते हो तब उसको अप्लाई करना तब तो और अप्लाई ज्यादा होता डिफिकल्ट होता है, क्योंकि है। आपको जल्दी से जल्दी खुद को ठीक करना होता है. बट यू नो इट रिक्वायर्स पेशेंस टू गो फॉर मेडिटेशन एंड यस, सेल्फ हीलिंग. और बहुत एक्चुअली वंडरफुल एक्सपीरियंस. आई वांट ऐड वन पॉइंट ऑन टू दिस। एवरीथिंग इज डिपेंड ऑन टू द बिलीफ, द डे व्हेन यू स्टार्ट बिलीविंग ऑन एनीथिंग इट बिकम्स रियलिटी। देखिए जैसे ही आपने पता नहीं कभी ऑब्जर्व किया है या एक्सपीरियंस किया है पता नहीं, मैंने एक दो बार तो किया, जैसे कई बार देखा होगा कि हमें कोई बीमारी होती है और हमें उस डॉक्टर के ऊपर बिलीव रहता है, हमारे फैमिली डॉक्टर, अगर कोई और डॉक्टर के पास चले जाओगे ना तो हम डाउट करने लगते हैं और जल्दी ठीक नहीं हो पाते। जल्दी पर ठीक जैसे ही वो हमारे फैमिली डॉक्टर के पास जाते हैं उस, हमें घर पे तो बीमार बीमार सा फील होता है, पर जैसे हम हॉस्पिटल पहुंचे और डॉक्टर ने हाथ क्या लगा दिया, एक छोटी सी सुई क्या लगा दिया, हमें ठीक लगने लगता, उसी टाइम हमारी सिक्सटी परसेंट लगना. हमारी जो बीमारी होती है वो क्लियर हो जाती है। सो ऑल ऑल यू हैव टू फोकस इन ऑन योर बिलीफ, पूरा 100% अगर आप बिलीव करोगे अपने पावर्स के ऊपर, मेडिटेशन के ऊपर, कॉस्मिक एनर्जी के ऊपर, और तो आपको रिजल्ट्स 100% मिलेंगे। जैसे कि आपने कहा कि अप्लाई, कई लोगों को सब पता है एक्चुअली, इस जो जो अभी जो पीरियड है लोगों को सब पता है, बस उनको अप्लाई करना नहीं आता है। लोगों को पता है कि किस तरह से हम सेहतमंद रहे, लोगों को पता है किस तरह से हम अमीर बन सकते हैं, लोगों को पता है किस तरह से हम अच्छे काम कर सकते हैं, बट कर नहीं पाते हैं। द रीजन इज वेरी सिंपल, उनको बिलीव नहीं होता है अपने कामों पे, आप जिसके पाथ पर चल रहे हैं। तो बिलीव इज वेरी इंपॉर्टेंट, जिससे आप बिलीव करना सीख जाओगे आपको सब आ जाएगा। ग्रेट सर. तो सर, डू यू बिलीव कि ध्यान एक कैटलिस्ट के जैसे काम करता है इस चीज में, आपके बिलीफ को स्ट्रॉन्ग करने में और पेशेंस डेवलप करने में? बिकॉज यू नो आप सुनते तो हो बट अप्लाई करना इज एक्चुअली में वेरी डिफिकल्ट, और उतना पेशेंस और होनी चाहिए हिम्मत आपको परस्यू करने के लिए उस चीज को. बट ध्यान एक ऐसा माध्यम हो सकता है जो आपको मदद करता है इस चीज में. Have you considered, मतलब have you thought upon that? Yeah, absolutely. I have 100% believe that meditation is a solution for each and everything. Because you know, belief is one thing that comes after the experience. आप एक छोटे बच्चे को ऊपर
वो बिलीफ थोप नहीं सकते हो. उसके अंदर वो बिलीफ कब आएगा, जब वो उसको एक्सपीरियंस करेगा. जैसे एग्जाम्पल आप लीजिए, छोटे बच्चे को अंदर, जैसे आप अगर किसी छोटा बच्चा उसके सामने फर्स्ट टाइम अगर सांप आ जाए ना, तो तब वो डरेगा नहीं, पर जब वो देखेगा कि लोग डर रहे उससे, तब जाके वो डरना चालू करके. तो दैट इज द थिंग. जैसे कि अब इसको मैंने एक निगेटिव पर्सपेक्टिव समझा, अब इसको पॉजिटिव पर्सपेक्टिव से समझाता हूँ मैं. जैसे मुझे फर्स्ट टाइम जब बताया गया कि मेडिटेशन से प्रॉब्लम सॉल्व होती है, उसके पहले हम मैं आई वॉज वेरी मच बचपन से असेंटिक हूँ थोड़ा बहुत मैं, तो मतलब पूजा पाठ तो करता था थोड़ा बहुत, बट एकदम ज्यादा नहीं करता था. बट सोल्यूशन ढूंढते रहता था कि कहाँ से खुशियां मिले, कहाँ से सब अच्छा हो, मतलब सोल्यूशन ढूंढना मेरा एक मतलब था पहले से. तो जैसे पता चला कि मेडिटेशन भी एक चीज है जिससे हम अपने प्रॉब्लम का सोल्यूशन पा सकते हैं, उससे हम हर एक सोल्यूशन से, हर एक प्रॉब्लम से लड़ सकते हैं, तो ये पहली बार सुना. तो जब मैं करता गया करता गया करता गया, उसके बाद में जब रिजल्ट आए, उसके बाद में बिलीफ पैदा हुआ. तो ऐसे कई सारे एक्सपीरियंसेस हुए मेरे, कई सारे एग्जाम्पल्स मैं बता सकता हूँ जिससे वो बिलीफ बना, बिलीव बनता है. जैसे एक और एक बिलीव आपके अंदर, जैसे एक एक्सपीरियंस छोटा सा बताना चाहूंगा. जैसे मेरे को पानी से बहुत डर लगता था बचपन में, तो मैं बहुत डरता था, बहुत डरता था, बहुत स्विमिंग पूल में भी जाने से डरता था. तो रिसेंटली मतलब मेडिटेशन में कैसा मतलब थॉट आया, गर्मी को छुट्टियां चालू थे, मतलब मैं सीखते रहता कुछ ना कुछ, तो मन में थॉट आया यार एक ये डर, जितने भी डर सब निकालने, तो फ्री था, तो आई वॉज जस्ट वंडरिंग कि क्यों ना ये डर निकाला जाए. तो मेडिटेशन में मैंने लिटरली आई यूज द सबकॉन्शियस माइंड ओवर हियर, पावर ऑफ ए सबकॉन्शियस माइंड. मैंने एक बुक पढ़ी थी जोसेफ मर्फी, उनमें उन्होंने 2-3 पेज में ये पानी के डर पे बारे में बहुत अच्छा लिखा है. मैं रिकमेंड करूंगा हर ध्यानी को वो बुक पढ़ने के लिए, और वो पेज जरूर पढ़े. तो उन्होंने कहा है जो डर है ना वो अपने अंदर होता है, सबकॉन्शियस माइंड में होता है, जो मैंने बिलीफ का अपने बिलीफ में होता है. तो मैंने उसको निकाला ध्यान के टाइम पे, मैं अफर्मेशन देता था कि मैं बहुत अच्छा स्विम कर रहा हूँ, और विजुअलाइज करता था कि मैं अच्छा स्विम कर रहा हूँ, मेरा पूरा डर निकल चुका है. और कुछ दिनों तक मैंने ये किया, और ये पूल ज्वाइन करने के बाद में स्टार्ट किया था मैंने. तो कुछ दिनों तक तो डर था ही, जब तक के डर था मेरा स्विमिंग सीख ही नहीं पाया था. धीरे धीरे जैसे जैसे ध्यान में मैंने अफर्मेशन दिए, ध्यान ध्यान तो अलग, ध्यान में अफर्मेशन देने गलत बोल दिया, अफर्मेशन देने के बाद में ध्यान में बैठता था, आना पाना सती करता था, तो सडनली मेरा डर निकल गया और फिर मैं बहुत अच्छा स्विम करना सीख गया. सेम बात है, यही सेम बात आपको मैं बताना चाहूंगा. मेडिटेशन भी एक ऐसी चीज है, आप उसको करते जाइए, और ये अनुभव करने वाली चीज है. मेरे अनुभव कुछ अलग हो गए, आरती मैम के कुछ अलग हो गए, और जो भी मेरे को सुन रहा है वो जब चालू करेगा उनके कुछ अलग रहेंगे. आप धीरे धीरे जब हर एक के अनुभव अलग अलग, एक पाथ है जिसपे आपको खुद चलना होगा, किसी और के कहने पे तो आप मतलब चालू कर सकते हो, बट उनके अनुभव और आपके अनुभव सेम होंगे ऐसा नहीं है. yes. हर एक के अलग अलग रहेंगे अनुभव, और टाइम पीरियड भी अलग अलग हो सकता है. यस, किसी का ध्यान बहुत जल्दी लगता है, किसी के मन में स्टार्ट में बहुत ज्यादा थॉट्स आते हैं, किसी को कोई कहते हैं ना जैसे पुनर्जन्म से ही किसी किसी का होता है, जो बहुत पहले से ध्यान करते आते हैं जल्दी जल्दी उनको अचीव हो जाता है, और एक्सपीरियंसेस बहुत अच्छे अच्छे आते हैं. बट ऐसा नहीं है कि एक्सपीरियंस, कभी कभी तो ऐसा होता है ध्यान करते हैं बट एक्सपीरियंस नहीं आते है, तो इसका मतलब नहीं आपका ध्यान नहीं हुआ. सोचता था कि अगर कुछ भी अनुभव ना हो, जैसे मैं 2 घंटा बैठ गया और मेरे को कुछ मतलब एक्सपीरियंस ना हो, कुछ समझा नहीं क्या हो रहा है, तो ऐसा नहीं कि ध्यान नहीं हुआ, वो ध्यान हुआ है आपका. कभी कभी मेरे साथ ये भी होता है, मैं सपने देखता हूँ पर मेरे को याद ही नहीं रहता है. ये आपके साथ भी होता होगा शायद, कई लोगों के साथ होता है. तो, yes, sir, होता है. हाँ, तो इसका मतलब कुछ फ्रेगमेंट्स याद रहते हैं, डिटेल कुछ याद रहता है. हाँ, जैसे उठो वैसे मैं भूल जाता हूँ कभी कभी चीजें. तो सेम मेडिटेशन में भी ऐसा होता है, तो बस करते रहना है. स्टार्ट में मैं ऐसे लिंक तोड़ देता था, मतलब गैप आ जाती थी, जब मैं कुछ होता नहीं था मैं सोचता था अरे यार 2 घंटा बैठा, 1 घंटा बैठा, आधी घंटा बैठा, बट कुछ समझ नहीं आ रहा, कुछ हुआ ही तो नहीं. मतलब ऐसी बात हो कि पिक्चर देखने गए बट कुछ समझा ही नहीं, मतलब ऐसे ही बैठे थे, ऐसे लगता था. बट दिस इज नॉट द वे, ये आपको चलना ही है, करते रहना है, तब जाके आप और उसमें गहरा उतरते जाओगे. दैट्स द थिंग. एग्जैक्टली सर, जैसे आप अभी भी स्टडीज कर रहे हैं, सो आपको ध्यान के कारण क्या इफेक्ट दिखाई दिया अपने स्टडीज में और करियर में? बहुत बहुत ही अच्छे अनुभव है, बहुत ही मस्त
मैं बताना चाहूंगा, जब मैं टेंथ के पहले की जो स्टडीज थी उसमें मतलब ध्यान तो करता ही था, मीन्स ध्यान के कारण ही मैं अपने एकेडमिक्स में बहुत एक्सेल किया हूँ। आई वाज ऑलवेज अ टॉपर राइट फ्रॉम माय प्राइमरी स्कूल, और ध्यान के कारण ही हुआ ये सब। और जैसे कि अभी एक रिसेंट एक्सपीरियंस अगर बताना चाहूंगा कि जब मेरा प्लेसमेंट हो रहा था, मेरे ऊपर बहुत बर्डन आ रहा था, बिकॉज कोरोना पीरियड में आई हैव ऑल्सो स्टार्टेड डूइंग अ बिजनेस ऑल्सो, सो आई वॉज डूइंग बिजनेस एज वेल एज माई स्टडीज, बोथ ऑन द सेम साइड, मतलब बैलेंस करते हुए चल रहा था। तो जैसे प्लेसमेंट ड्राइव्स आए, कंपनीज आ रहे थे, मेरे ऊपर प्रेशर बहुत बढ़ रहा था, और एक की तरफ भी मैं नजरअंदाज नहीं कर सकता था। ये भी इम्पोर्टेंट था, ये भी इम्पोर्टेंट था, दोनों इक्वली इम्पोर्टेंट थे। तो मैं फोकस थोड़ा हट रहा था ध्यान पढ़ाई से। तो धीरे धीरे ऐसे हो रहा था, कंपनीज आके आते हुए धीरे धीरे जा रही थी, 5 कंपनीज आके चले भी गए थे, और मेरे को मेरा एप्टीट्यूड भी नहीं निकल रहा था, मेरा फर्स्ट राउंड भी क्लियर नहीं हो रहा था। बट फिर मैंने कहा नहीं, अभी मेरे को 100% फोकस करना ही होगा। सो मैंने मेडिटेशन में फिर मेरे को जो जो चाहिए होता है मैं संकल्प लेके बैठता हूँ, ये जब तक बैठता हूँ जब तक कि मेरा वो गोल हासिल ना हो जाए। तो मैं ये रिकमेंड जो व्यूवर्स है उनको भी करना चाहूंगा, आप संकल्प लेके बैठिए स्टार्ट में, और फिर आनापानासति कीजिए और कंटिन्यू कीजिए, तो आपको रिजल्ट 100% मिलेंगे। तो एकेडमिक्स में ऐसा मेरा एक मिराकल ऐसा हुआ, जब मैंने मेरा टाइम बढ़ा दिया मेडिटेशन से, मेडिटेशन का जो टाइम था उसको मैंने बढ़ा दिया, और विजुअलाइजेशन पर भी टाइम तो थोड़ा बढ़ा दिया। तो मैंने देखा कि रिसेंटली, जैसे मैंने कहा मेरा जो अभी टारगेट लगाया मैंने, मेरा जो कंपनी होना था वो टारगेट लगाया, और जैसे ये पीछे में जो लगा ना विजन बोर्ड है मेरा एक और एक, तो जैसे जैसे मेरा एक विजन बोर्ड कंप्लीट होता है मैं दूसरा हटा के तीसरा लगा देता हूँ। मेरे बचपन की आदत है ये, पहले से लगाए मैंने। तो मैंने यहाँ मेरे कंपनी का पोस्टर लगाया हुआ था, ये प्लेस पे बैठ के मैंने इंटरव्यू भी दिया था मेरा, और पीछे में वो कंपनी का बोर्ड लगा हुआ था। तो इंटरव्यू ने पहला क्वेश्चन मेरा उसी पे किया था कि वो क्या है, व्हाट वाज दैट सर्टिफिकेट ऑल अबाउट। तो मैंने उनको बताया था दैट इज नथिंग बट विजन बोर्ड, और वो सब समझाया था उनको, मेडिटेशन भी समझाया था कि मेरे रेज्यूमे में मैंने लिखा था कि मैं मेडिटेशन सिखाता हूँ, और उन्होंने मेरे को पूछा था कि व्हाट इज ऑल अबाउट। अगर उन्होंने मेरे को कहा रहता मैं उसके लिए भी तैयार था, मेरे को लगा वो मेरे को बोलेंगे कि मेरे को 2-3 मिनट का गाइडेड मेडिटेशन करा दे, तो मैं उसके लिए भी तैयार था उस टाइम। तो बहुत मजा आया था उस टाइम, तो मैंने एंजॉय करना सीखा था। तो ये एक चीज फिर से बताना चाहूंगा, स्टडी एंजॉय करना आप सीखोगे, जितने भी स्टूडेंट्स मेरे को सुन रहे हैं आज यहाँ पे, मेरे को कहूंगा कि आप मेडिटेशन से स्टडी एंजॉय करना सीखोगे, बिकॉज द डे यू स्टार्ट एंजॉयिंग योर स्टडी यू विल गोइंग टू 100% एक्सेल एक्सेल गॉट एक्सेलेंट इन टू योर रिजल्ट। बिकॉज प्रॉब्लम यही है, लोग एंजॉय नहीं कर पाते, जो भी आप कर रहे हो उसको एंजॉय नहीं कर पाते। देर आर टू थिंग्स, लव वॉट यू डू एंड डू वॉट यू लव, दोनों में थोड़ा सा थोड़ा माइन्यूट सा फर्क है, वो आपको मेडिटेशन समझाएगा, आप धीरे धीरे करोगे उसको समझ में आएगा। तो जैसे मैंने मेडिटेशन के टाइम्स बढ़ाया और मैंने देखा कि मेरे ग्रास्पिंग पावर सच में बढ़ रहा था, जैसे कि बहुत डिफिकल्ट होता है, बिजनेस एक अलग पर्सपेक्टिव है और पढ़ाई दोनों एक बहुत अलग पर्सपेक्टिव है। तो जैसे मैंने मेडिटेशन में कमांड देना चालू किया, और एस्टल मास्टर्स को मैंने कमांड दिया कि देखिए अब मेरे को दोनों में से कुछ भी छोड़ना नहीं है, बट मेरे को दोनों करना है, तो उन्होंने मेरे को पावर दी है। मैं सिर्फ 6 घंटा सोता था और बाकी पूरा 18 घंटे में मैं मैनेज करता था, 10 घंटा पढ़ता, 10 घंटा पढ़ना पड़ा मेरे को, बिकॉज 1 साल का गैप पड़ गया था। और यू कैन सी, और मेरा वही कंपनी में, मेरा वही वही पोस्ट में, जो पोस्ट होना था वही पोस्ट में मेरे को प्लेसमेंट मिला, और एक साथ मेरे सारे राउंड क्लियर हो गए, राइट फ्रॉम एप्टीट्यूड, इंटरव्यू, सब सब GD वगैरह सब एक साथ क्लियर हो गए। मेरा पहला इंटरव्यू था, सब क्लियर हो गया। मैं आई वॉज बिट वरीड, बट मेरे को बिलीव था, वन मोर थिंग, मेरे को बिलीव था, मेरे अपने ऊपर मेरे को विश्वास था। मैंने मैंने पापा को कहा था, मैं इंटरव्यू देने के पहले ही बोल चुका था, पापा ये मेरा सिलेक्ट हो गया हो, मेरे को पूरा बिलीव है, मैंने पूरा 100% मैं प्रिपेयर्ड हूँ। और जैसे कि जिस दिन मेरा, मैं एक छोटा सा एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगा मेडिटेशन का, एक और एक, 11 11 दिसंबर को ओशो सर का बर्थडे है, और 13 दिसंबर को मेरा इंटरव्यू था, तो 11 दिसंबर को सेंटर पे बर्थडे सेलिब्रेशन था, और हमने 3 घंटे का मेडिटेशन किए थे। तो उस टाइम पे लिटरली मैंने उनको, उनकी प्रेजेंस फील किया था, बिकॉज मैं बहुत हायर लेवल पे गया था उस टाइम पे, 3 घंटा मेडिटेशन कंटिन्यू किया था, और इतना मस्त मेडिटेशन हुआ था उस टाइम पे। और मैंने उनको कमांड दे दिया था कि मेरे को भी ये कंपनी होना है, ऐसा नहीं कि अभी मैं और ट्राई करूंगा अगले, मैंने बस कमांड दे दिया था कि मेरे को होना है, मतलब होना है, सब बोल के मैं बैठ गया था आना पाना सदी में।
और डायरेक्ट फिर मेडिटेशन में मेरे को मतलब वो एनर्जी मिली, और जैसे कहा मेरे को याद नहीं रहता क्या हुआ था उस दिन, मैं 3 घंटे कैसे गए थे मेरे को याद भी नहीं थे, बट वो एनर्जी मेरे को 100% मिल गई थी, और मैं कहूंगा उसी दिन मेरा प्लग पक्का हो गया था जॉब। तो फिर मैं सैटरडे को नागपुर सेंटर पे, वहां पर बर्थडे सेलिब्रेशन था, मेडिटेशन हुआ, बाद में मंडे को मेरा इंटरव्यू था, संडे को मैंने थोड़ा बहुत रिवाइज किया पॉइंट्स अपने सारे, और मंडे को जैसे सुबह उठा मैं 6 बजे, आई कंप्लीटेड माई डेली चोर्स, पूरे काम वगैरह सब करके 7 बजे मेडिटेशन में बैठा, फिर से मेडिटेशन में बैठ गया, बिकॉज मेरे को पता था उस दिन पढ़ने से कुछ होने नहीं वाला, तो मैंने मेडिटेशन में बैठा 7 बजे। और एक और एक चीज, मेरी स्पेशलिटी है मेरी जो कि मैंने प्रैक्टिस से किया, मैं जैसे कहता हूँ, जैसे मुझे कहा कि मेरे को 40 मिनट्स बाद मेरे को मेडिटेशन से उठना है, एग्जैक्ट 40 मिनट्स बाद, ना 41 ना 39, 40 मिनट्स बाद मेरे को पता चल जाता है कि मेरे को अभी उठना है, एग्जैक्ट मेरे को पता चल जाता है। मैं 3 घंटा भी बोल दूँ ना तो 3 घंटे बाद एग्जैक्ट उठ जाता हूँ, बिकॉज ये प्रैक्टिस मैंने कब लाया, जब मेरे सेशंस होते थे कॉलेज के, लेक्चर्स होते थे, तो मेरे को टाइम नहीं रहता था, जैसे कि 9 बजे का लेक्चर है और मैं 8 बजे मेरे को टाइम मिल रहा है, तो अगर मैं मेडिटेशन बैठ जाऊँ और 2 घंटा बैठ गया तो मैं लेक्चर चला जाएगा, तो मेरे को मैंने पावर मैंने मेडिटेशन में कहा कि मेरे को 50 मिनट्स बाद उठना है बिकॉज मेरा लेक्चर है, तो दैट्स द सेम थिंग, फिर से मेरे को एनर्जी मिली और वो पावर मेरे अंदर आया, अभी अभी वो मैं रोज करता हूँ, मुझे जितने देर बैठना मैं उतने देर बस एक बार बोल देता हूँ, बैठता हूँ और उस टाइम पे मैं उठ जाता हूँ मेडिटेशन करके, सही उठता हूँ। एक्सीलेंट। मतलब मैं पहली बार इतने कॉन्क्रीट वे में आके टीमों से सुन रही हूँ कि दे हैव एक्सप्लोर्ड सो मच थ्रू मेडिटेशन, द पावर ऑफ देयर सबकॉन्शियस माइंड, देयर थॉट्स, देयर बिलीव्स, देयर एफर्मेशंस, एंड यू आर प्रैक्टिकली यूजिंग, आप प्रैक्टिकली यूज भी कर रहे हैं उन सब चीजों को, कमेंडेबल। यस अच्छा, आपने सर बुक्स के बारे में बताया हमें, तो आपने कौन कौन सी बुक्स पढ़ी हैं एंड हाउ दे हैव अफेक्टेड यू एंड हेल्प्ड यू? टॉकिंग अबाउट दिस स्पिरिचुअल बुक, रिसेंटली आई हैव रीड द सीतायन, अनटोल्ड स्टोरी ऑफ सीता, और देयर आर सो मेनी थिंग्स। एक्चुअली इस बुक से मैंने इतना कुछ सीखा है कि अभी बोलने लगू तो आधे घंटा तक मैं बोलता रहूंगा, सो आई वुड हाईली रिकमेंड द व्यूअर्स टू जस्ट गो आउट थ्रू दिस बुक, यू गोना लर्न सो मेनी थिंग्स थ्रू दिस बुक, एंड वन मोर थिंग, यू गोना सी वन डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ रामायण बाय द साइड ऑफ सीता माँ, बिकॉज जब हम रामायण की बात करते हैं तो हम सबको पता है कि राम भगवान ने क्या किया, कैसी परिस्थिति थी, कैसा था, बट सीता माँ के पर्सपेक्टिव से आप पहली बार देखोगे कि किस तरह से उन्होंने रावण को जो इनर बैटल था उन्होंने जीता, और जो आउटर बैटल था वो राम भगवान ने जीता, मतलब जो लड़ाई वगैरह का जो था वो राम भगवान के द्वारा हो रहा था, और जो अंदर से जो रावण की ताकत को जो तोड़ा था वो सीता माँ ने तोड़ा था। और उसमें भी एक और एक चीज मैंने सीखा, जैसे एक छोटा सा एक है, जब माता 9 साल के थे उस टाइम पे, वो फर्स्ट टाइम जब वो खेत में जाते हैं, तो उस टाइम पे एक स्टोरी है, मतलब बुक से पढ़ा था मैंने, तो वो नहीं क्या, जस्ट 9 साल के है, और वो जो होता है ना जैसा उठा के से जाते खेत में, तो वो बहुत भारी होता है, बट माता को नेचर के साथ इतना लगाव था, तो उन्होंने 9 साल की उम्र में जस्ट बिना वहां पे बुलक कार्ट भी नहीं था, उठा के पूरा सोविंग कर दिया था, तो उस टाइम पे राम भगवान ने फर्स्ट टाइम उनको देखा था, तो उस टाइम जब उनको उनके पापा उनको पूछते हैं कि आपने कैसे किया, ये जनक बाबा जो उनका नाम था वो पूछते हैं कि आपने कैसे कर दिया, तो एक बहुत खूबसूरत सा लाइन माता कहते हैं कि एवरी एवरी वन ऑफ अस हैज पावर टू एनहांस आर फिजिकल एक्टिविटी बाय यूजिंग दिस ब्रेन। उस दिन मैंने समझा था कि ये दिमाग में जो है ना बहुत बहुत ट्रिमेंडस पावर छुपा हुआ है, बहुत एनर्जी इसके अंदर, जिसका हम यूज करके हम कई सारी चीजें यूज कर सकते हैं। और जब ये मैंने उस दिन पढ़ा था ना, तो मैंने कहा यार मैंने कैसे छोटा सा एज अ बॉय अपना एक होता है विजन होता है कि यार एक अच्छी कैसी बॉडी हो जाए, अच्छा होता है, मतलब विजन होता है छोटा सा, तो उस दिन पे मैंने ये छोटा सा विजन बोर्ड लगाया था, तो मैंने जनवरी में पढ़ा था ना उस टाइम पे लगाया था, ऊपर में लगा है मेरा विजन, मैं दिखाना चाहूंगा आपको एक मेरा विजन बोर्ड दिखाना चाहता हूँ, तो ये मेरा फोटो भी लगा वहां पे, मैंने एडिट करके लाया था, और जो नोट में लगा हुआ ना वो नोट्स पे मैंने वो मेरा बिजनेस गोल लगा के रखा हूँ,
तो वो एक लाइन पे मैं इंस्पायर हुआ था और मैंने क्या किया, जस्ट आई हैव यूज्ड माय माइंड पावर, और मैंने टारगेट रखा था मार्च 15 तक वगैरह, टारगेट रखा था मार्च 15 डेज रखा था, उस डे तक मेरे को मेरे मतलब एप्स बनाना है और बाइसेप्स बनाना है, और रोज जिम भी करता था, जिम के साथ साथ जैसे जिम वर्कआउट होता था उसी उसके जस्ट बाद में 10 मिनट का मिनी मेडिटेशन करता था, उसमें जस्ट मैं अपने माइंड पावर्स यूज करके, विजुअलाइजेशन यूज करके और थॉट्स देके मैं कहता था कि मेरी बॉडी बन चुकी है। तो और जब मैं थक भी जाता था, जब मैं जैसे मेरे पुशअप्स धीरे धीरे 25 थे, मैं फर्स्ट ट्राई करता था 25 थे, तो धीरे धीरे बॉडी को कमांड दे दे के मैंने 30 किया, 35 किया, पुशअप धीरे धीरे बढ़ाया, ऐसे कर करके मैंने वही उससे इन्फ्लुएंस होता सीता माँ से कि हमारे माइंड का इस्तेमाल करके हम हमारे फिजिकल एनर्जी कर सकते हैं। जैसे कि आप एक्सपीरियंस कर सकते हो, जस्ट 9 साल के थे वो और उन्होंने इतना भारी चीज उठा लिया, कैसे उन्होंने माइंड पावर यूज करके वो किया था। तो हर एक चीज हम कर सकते हैं अपने माइंड पावर यूज करके, तो आप देखो रिजल्ट्स बहुत ही अच्छे हैं। मैंने मेरा BMI 24.9 लाया उससे, और एब्स भी बन गए, बाइसेप्स भी बन गए, और बहुत ही जो जो चाहते हो आप सब कर सकते हो। बस इनका मेरा बताने का मोटो यही है, मेडिटेशन से और माइंड पावर से आप जो चाहते हो अपनी लाइफ में सब कुछ मैनिफेस्ट कर सकते हो। यू आर द क्रिएटर ऑफ योर लाइफ, और आपको जस्ट जुड़े रहना चाहिए इन सब स्पिरिचुअल एसोसिएशन से, PSSM हो गया, और अच्छे लोगों के साथ। यू आर द एवरेज ऑफ 5 पीपल लिविंग अराउंड योर सेल्फ, ये कोट है। टिम टिम वन फिलोसोफर इज देयर, टिम डेविड समथिंग लाइक दिस, उन्होंने कहा है। तो जो मैंने सीखा हूँ, यू कैन नॉट चेंज योर सेल्फ, यू कैन नॉट चेंज एनीबडी, डू यू बिलीव इन टू इट, यस यस बट यू यू कैन कैनॉट चेंज, चेंज इट। बट यू कैन चेंज योर सराउंडिंग, एंड यू आर द एवरेज ऑफ 5% लिविंग अराउंड योर सेल्फ। सो दिस थिंग आई लर्न फ्रॉम दिस कोट, और मैंने अपनी सराउंडिंग चेंज किया। मेडिटेशन में आने के बाद में मैं कई सारे ध्यानियों के साथ रहता हूँ, जैसे पत्री सर के 3 जो है, ध्यान करिए, सज्जन सांगत्य करें और स्पिरिचुअल बुक्स पढ़े। सज्जन सांगत्य इनका ये मोटो है, सज्जन सांगत्य करने से आपके अंदर अपने आप चेंजेस आने लगेंगे। दिस इज द मेन एम ऑफ सज्जन सांगत्य, जो मैं कहना चाहूंगा। और एक चीज सीताएं से मैंने सेकंड पॉइंट सीखा, ये तो पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट, ऐसे कई सारे पॉइंट्स है, सेकंड पॉइंट सीखा मैंने, जो जब वो सीता माँ को जब वो एक डिस्गाइज्ड होकर सीता माँ नगरी से जाते रहते हैं, तो जो एक कॉमन बॉय उनको धक्का दे के चला जाते हैं, और उनके जो साथ जो सेविका थी उनको जस्ट बोलने वाली थी कि सीता माँ, वो तो उनको रोक देते हैं। तो सीता माँ को उस टाइम पे इतना हर्ट होता है, जो बुक में लिखा गया, तो इसके कारण उनको हर्टिंग ही होता है कि मैं सीता माँ होते हुए मेरे को धक्का कैसे दिया। बट उन्होंने ऐसा लिटरली कहा है वहां पे कि और तो वुमेन्स की जो रिस्पेक्ट है वो थी नहीं उस टाइम पे। तो इस पॉइंट से मैं सीखा मतलब कि हमें वुमेन्स का भी रिस्पेक्ट करना चाहिए, और जो उन्होंने उस टाइम पे जो काम किया, जैसे कि सीता माँ ने उस पीरियड में जो वुमेन्स को जो दर्जा मिलना चाहिए उस पॉइंट पे काम करके उनको वो रिस्पेक्ट दिलाया। और ऐसे कई सारे पॉइंट्स हैं जैसे मेडिटेशन के बारे में, फिर जो प्रेयर्स का जो इम्पोर्टेंस है, सीताएं जब आप पढ़ोगे प्रेयर्स के बारे में आप कई सारे चीजें सीखोगे। जैसे लिटरली जब जो पावर्स उनको मिल रही थी जब वो रावण के कैद में थे, वो भी उनको ह्यूमन से मिल रहे थे। सो इससे एक और एक चीज हमें सीखने मिलती है कि वी ह्यूमंस हैव द पावर टू चेंज एनीथिंग बाय यूजिंग अ प्रेयर, बाय यूजिंग अ प्रेयर। तो जब आप प्रे करते हो, जब आप कुछ सोचते हो फॉर द बेटरमेंट ऑफ द पीपल, फॉर द बेटरमेंट ऑफ योर फैमिली, फॉर द बेटरमेंट ऑफ सोसाइटी, वो आपको हेल्प करेगा। ये मैंने एक पॉइंट सीखा हूँ। और बाकी जैसे बुक्स के बारे में कहा जाए, बचपन से मैं कई सारे बुक्स पढ़ता हूँ। द सीक्रेट मेरी फेवरेट बुक है, पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड मेरी फेवरेट बुक है, जोसेफ मर्फी, मैं कई बार पढ़ चुका हूँ। जितनी बार मैं डिमोरलाइज फील्ड होता हूँ मैं वो बुक खोलता हूँ और पढ़ने लगता हूँ, और ये हाईली रिकमेंडेड बुक्स है मेरे हिसाब से। व्यूवर्स को 100% पढ़ना चाहिए बुक्स। फिर द मॉन्क हू सोल्ड हिज फेरारी, पत्री सर ने भी ये सजेस्ट किया है, बहुत ही मस्त बुक है। और जैसे कि ये एक बुक है, यू कैन हील योर लाइफ, जो भी अपने सेहत को लुई बढ़ाना चाहते हैं, लुईस है उनकी बुक है वो, 100% आप पढ़िए, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। और
मैंने कई सारे बुक्स रिसेंट अभी दिसंबर में ध्यान महाचक्र गया था कैताल में, तो वहां से कई सारे बुक्स लाया, बट एकेडमिक्स की वजह से मेरा पढ़ना भी थोड़ा सा रुका है, बट मैं रोज रात को 10 मिनट पढ़ता ही हूँ। मैंने वो अपने अंदर पहले से हैबिट लगा के रखा हूँ, 10 मिनट सोने के पहले कुछ तो भी अच्छा करना है, और फिर वो 10 मिनट के बाद में ध्यान करते हुए सोना है, तो तभी जाके वो आपके रात भर की निद्रा योग निद्रा हो जाएगी। तो ये भी मैं पत्री सर के जब जब वो स्पीच दिया था उनसे सीखा था मैं। कई सारी चीजें आपको सीखने मिलेगी दोस्तों पत्री सर से, तो आई विल हाईली रिकमेंड, उनके स्पीचेस सुनते रहिए। और एक चीज मैं कहना चाहूंगा, साल में 10 दिन नहीं तो कम से कम 8 दिन तो भी ध्यान महाचक्र का सेशन उस अटेंड कीजिए। समझिए 365 में से 355 ही दिन है साल के, और अपने को वहां देना ही है वो दिन। वो जैसे अब अपने बैटरी कैसे चार्ज करते हो, दिन भर यूज करके रात को चार्जिंग लगाते हो ना, पूरा साल भर पूरा यूज कर लीजिए, साल के एंडिंग पे वहां चार्जिंग के लिए चले जाइए, आपको बहुत एनर्जी मिलेगी। और वन मोर रिकमेंडेशन मैं करूंगा, अकेला जा सकते हो तो अकेले जाइए वहां पे, बिकॉज मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस मैंने जैसे किया, मेरा ये फोर्थ टाइम था ध्यान महाचक्र में, इस बार मैं फर्स्ट टाइम अकेला गया था, बिकॉज मेरा जॉब लग चुका था, मैंने पापा को कहा पापा इस बार मैं अकेला जाता हूँ, तो उन्होंने मेरे को परमिशन दे दी, और मैं जब फर्स्ट मैं अकेला जब गया ना, बहुत ही क्लासिक अनुभव हुए, बहुत बहुत सीखने के लिए बहुत सीखने मिला। तो वहां जाइए सीखने के लिए ही जाइए, ऐसा नहीं कि सिर्फ मस्ती करने जा रहे, ऑब्वियसली वहाँ बहुत सारे एंटरटेनमेंट के ये रहते हैं, वेज रहते हैं, आपको इवनिंग में कई सारे एंटरटेनमेंट करने मिलेंगे, शोज रहेगा, डांस रहेगा, बट यू विल डेफिनेटली गोना एंजॉय द सेशंस, द मेडिटेशन, यू गोना एंजॉय द फूड ओवर देयर, बहुत ही क्लासिक होता है, बहुत अच्छा अंडरस्टैंडिंग क्रिएट होगा आपका, आप अपने आप को जान पाओगे। और मैं भगवान को लिटरली आई एम ग्रेटफुल, आई एम थैंकफुल टू हिम कि मैं PSSM से जुड़ा हूँ, उन्होंने मेरे को इतना 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 कुछ सिखाया है, बहुत कुछ थैंकफुल, बहुत ज्यादा थैंकफुल हूँ भगवान से। एंड मैं हाईली रिकमेंड करूंगा व्यूवर्स को, प्लीज 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 करताल में आइए और एंजॉय कीजिए, बहुत बहुत कुछ सीखने मिलेगा आपको वहां पे। That's okay. क्या बात है, बहुत बढ़िया। अच्छा आप हमें ये बताइए सर कि आप ध्यान कब से सिखाना शुरू किए और इससे जुड़ा आपका कैसा अनुभव रहा? हाँ, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल आपने पूछा है मैम। एक्चुअली मैं तो जैसे आपको कहा 2011 से ध्यान करता था, तो बचपन से बहुत कॉम्पिटिटर कॉम्पिटिटर पर्सन हूँ मैं, बहुत मीन्स बहुत ज्यादा आगे रहना बहुत पसंद था बचपन से। तो जब मेरे को ध्यान के बारे में मेरे को सिखाया गया इससे सब मिलता है, सो आई वाज लाइक मैं थोड़ा बहुत सेल्फिश हो गया था, और ऐसा नहीं है ध्यान आपको हेल्प करेगा ही, उन्होंने ध्यान ने मेरे को किया ही हेल्प, बिकॉज साइंस है पूरा, जो पिरामिड एक्चुअली साइंस है। जब ये पिरामिड के नीचे आप जब मेडिटेशन करते हो, आपको एक एनर्जी मिलती है, इट्स नोन एज कॉस्मिक एनर्जी, जो आपको कई चीजों से मिलती है, जैसे आपको सोने से मिलती है, आपको डांस करने से भी वो मिलती है, आपको गाने से भी मिलती है, आप खाने से भी आपको एनर्जी मिलती है, तो वो बहुत कम मात्रा में मिलती है। ध्यान व्हाट इज ध्यान, ध्यान मींस लेट्स ब्रेक दैट वर्ड, ध्यान ध्यान मींस इट्स बुद्धि से चलना, तो इससे आपको वो एनर्जी मिलेगी जो आपको जो निजी जीवन में आपको चाहिए। तो जब ये एनर्जी आपको मिलेगी, इट्स बट ऑब्वियस आप अच्छा परफॉर्म करोगे, तो वो देखेगी नहीं कि आप अच्छा कर रहे हो या बुरा कर रहे हो, वो आपको हेल्प करेगी। तो मैं जब ध्यान करना चालू किया, मुझे वो हेल्प किया, मैं हर एक चीज में अच्छा था, स्पोर्ट्स में अच्छा था, एकेडमिक्स में अच्छा था, बट वन मोर थिंग, मैं सेल्फिश था थोड़ा बहुत, खुद के लिए करता था, किसी को सिखाता नहीं था, बट खुद के लिए करता था, फैमिली को सिखाता था, फैमिली करती थी बस। तो रिसेंटली अभी मेरा एक अनुभव हुआ, हार्डली आई गेस 8 मंथ्स अगो मेरा अनुभव हुआ, मैं ध्यान के टाइम ही मेरे को रियलाइज हुआ, मैं ध्यान में बैठा हुआ था और मेरे को यार अंदर से लग रहा था कि ऐसा कुछ तो भी, आई एम लैकिंग इन समथिंग, किधर तो भी पीछे जा रहा हूँ यार, कुछ तो भी लैक हो रहा है मेरे अंदर। तो धीरे धीरे मेरे को जब भी कुछ प्रॉब्लम आती है, मैं अपने आप को क्वेश्चन पूछता हूँ, और सोने के पहले मैं ट्रिक बताना चाहूंगा, सोने के पहले आपको कुछ प्रॉब्लम आना, सोने के पहले ऐसे सोचते हो सो जाओ, जैसे कि अब मैं आज अभी मैं बेड पे जा रहा हूँ 11 बजे, पौने 11 बजे मैं मेडिटेशन चालू करता हूँ, उसके पहले मैं सोचता हूँ कि अरे अभी मेरे को प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, इसको सोल्यूशन मेरे को चाहिए, और फिर ध्यान में बैठ के मैं सो जाता हूँ। तो ये ट्रिक इतनी जबरदस्त है दोस्तों, इसका साइंटिफिक रीजन भी बताता हूँ मैं आपको इसके अगले वाले पार्ट में। इससे क्या होता है, सुबह उठने के बाद आपको वो आंसर मिल जाता है,
या फिर सुबह नहीं मिलेगा तो दोपहर को मिलेगा, बट आंसर मिलता ही है। रीजन बताता हूँ, रीजन बहुत सिंपल है दोस्तों। सोने के पहले और उठने के बाद में आपका सबकॉन्शियस माइंड जो था ना 99% एक्टिव रहता है। तो आप जो भी करोगे ना, आज चलो एक एग्जर्सिस करके देखिए, आप जो भी मेरे को देख सुन रहे हो आज, आज सोने के पहले आप क्या किए कुछ तो भी माइंड में रखते हुए सो जाइए। जैसे कि चलो KGF 2 की मूवी आप देख के आए, वो देख के आप सो जाओ, ठीक है। सुबह उठते आप देखोगे आपके माइंड में पहला थॉट क्या है, वो आप देखना, पहला थॉट आपका KGF ही रहेगा, आपके और कोई रहेगा ही नहीं। तो रात भर वो आपके माइंड में स्कैटर हो रहा था, आपको सबको उसके बारे में सोच रहा था। तो इसका यूज आप 100% कर सकते हो। आप सोने के पहले आप अपने प्रॉब्लम्स को डिस्कस करके अपने माइंड को दे दीजिए, और इसका सोल्यूशन मेरे को चाहिए। इसका एक अनुभव मैं कहना चाहूंगा, मेरी एक नहीं क्या कोई चीज खो गई थी, कीमती थी, वो मेरे को मिल नहीं रही थी। तो मैंने बैठा और मैंने कहा मेरे को चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऐसा 2-3 दिन तक किया, जब तक कि होना ना तब तक करो। तो लिटरली सुबह उठने का मेरे को एक बार वहां पे जाके देखते हैं, तो मेरे को मिल गई थी वो चीज। बहुत बहुत मस्त एक्सपीरियंस था ये वाला भी, बहुत मस्त। और ये वाली बुक भी मैं ये रेकमेंड किया था, पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड है ना, उससे उसमें से ही सीखा था मैंने। जोसेफ मर्फी ने ये बताया था मेरे को, तो वो यूज किया था मैंने। अच्छा, तो मैं था मेडिटेशन में, सेल्फिश के लिए करता था मैं। तो जब मैं 8 महीने पहले मेरे को रियलाइज हुआ कि कुछ तो भी हम किधर तो भी हम लैक कर रहे हैं, आई एम लैकिंग समवेयर बियॉन्ड। सो मुझे पता चला कि ध्यान नहीं, पता चला कि मेरे को ये सिखाना भी है। तो पता नहीं ऐसे थॉट आ जाते कभी कभी, तो मैंने चालू किया, मैं जो कलीग्स थे उनको सिखाना चालू किया। तो फ्रेंड्स यू डोंट बिलीव, जब मैंने ये करना चालू किया, ट्रिमेंडस एनर्जी स्टार्ट बिल्डिंग इन बिल्डिंग इनसाइड मी। जैसे भी मेरा जो प्लेसमेंट वगैरह हुआ बहुत इम्पॉसिबल चीज लग रही थी मेरे को, बट वो एनर्जी अपने आप आई। फिर जैसे हम पत्री सर ने कहा है कि आप अगर एक पर्सन को भी ध्यान करना सिखा दे और आपके कारण वो ध्यान कर रहा है, तो आपको 100 100 घंटों का जो मेडिटेशन का जो पावर है वो आपको मिल जाता है। तो कितना वंडरफुल सा चीज है दोस्तों ये। तो ये एक चीज मैंने मैंने एक्सपीरियंस भी किया हूँ। जब आप दूसरों के लोगों के प्रॉब्लम सॉल्व करना चालू करोगे, एक्चुअली एक छोटा सा कंसेप्ट है दोस्तों, जब आप उसके लिए काम करना चालू करोगे वो आपके लिए काम करना चालू करेगा। इट्स इट्स अ साइकिल, वो आपके लिए काम करेगा तो आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं। सो एक हाँ, जैसे आपको जैसे ह्यूमन टेंडेंसी होती है, जो एक स्वार्थपना की होती है कि यार हम जो कर रहे हैं हमको कुछ मिलना चाहिए। तो दोस्तों आप करना चालू कीजिए, आपको 100% वो मिलेगा ही। जैसे अभी आरती मैम इतना अच्छा काम कर रही है, हमें उनका भी अनुभव सुनना चाहिए, वो भी हमको बताएंगे उनके लाइफ में कैसे चेंजेस आए। तो जैसे कि मेरे अनुभव से हर एक के अच्छे अनुभव है, हर एक पर्सन जो ध्यान को सिखा रहा है, जो अच्छा काम कर रहा है, उसके लाइफ में ये चेंजेस आएगी ही आएंगे। That's it. ओके, वंडरफुल एक्सपीरियंस सर। तो इसका मतलब ये है कि जैसे ही आप ध्यान सिखाना चालू करते हैं दूसरों को, यू स्टार्ट सीइंग चेंजेस इन योरसेल्फ एज वेल एंड योर लाइफ अराउंड। जैसे कि आपने बताया कि आप पत्री सर से मिल चुके हैं बहुत बार, उनके साथ आपका अनुभव कैसा रहा? एनीथिंग दैट हैज इम्पैक्टेड यू द मोस्ट? Yes, the way he thinks, the way he behaves, whenever thought comes of him inside my mind, it's continually generates some sparks in my mind. Because जब आप उन्हें देखोगे, he is 100% simple, sober person, ground to earth person. मैंने कई कई सारे आप मतलब आप महान हस्तियों को देखोगे जो इजीली मिलते नहीं है, बट ये एक ऐसे महान हस्ती है अर्थ पे जो आपको इजीली मिल जाते हैं। आप कैताल जाइए, खुद अपने हाथों से ये अपना मतलब हमें फूड सर्व करते हैं। यू कैन सी द सिंपलिसिटी दिस मैन हैज, इज लाइक जेन्युइनली स्पीकिंग मींस बहुत ही मस्त पर्सनैलिटी है। सीखने जाओगे तो इतना सीखने मिलेगा, इतना सीखने मिलेगा। बहुत बच्चे जैसे एकदम सब करते हैं, उन्हीं से मैंने सीखा हुई ये बात, जमीन पे रहो, सब एंजॉय करो, हर एक मोमेंट एंजॉय करो, जो करना चाहते हो सब करो लाइफ में, डू द थिंग्स दैट यू लव इन योर लाइफ। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है और इन्हीं से सिखाऊ, मैंने इनको ही ऑब्जर्व करके सिखाऊ। और सेवा का भाव जो है, जो मेरे में नहीं था, उनसे मैंने लिया हूँ। बहुत सेवा का भाव उनसे लिया हूँ, मतलब जब मैं देखता हूँ इतने बड़ा ऑर्गेनाइजर, मतलब इतने बड़े फाउंडर है इतने बड़े एसोसिएशन के, और वहां पे वो जब फूड सर्व करते इतने सिंपलिसिटी से, और जब आप देखोगे उनको, बहुत बहुत मस्त पर्सनालिटी है, बहुत ही सही पर्सनालिटी है। और जैसे कि जो थॉट्स है, दे आर थॉट प्रोवोकिंग
एकदम बहुत कुछ सीखने मिलेगा आपको उनसे, जब भी आप मिलेंगे उनसे। और जैसे कि फर्स्ट टाइम जब मैं मिला था, वो स्टोरी मैं शेयर कर चुका हूँ, पर नागपुर में जब भी आते हैं उनसे हम मिलते हैं, और दे कभी भी ना नहीं कहते हर एक चीज के लिए, हर छोटा। एक और एक चीज मैंने सीखा हूँ, जो एक कोच से, दो चीजों से, एक पत्री सर से सीखा और एक कोच से सीखा। पहले कोच से बता देता हूँ, द जर्नी ऑफ 1000 माइल्स स्टार्ट फ्रॉम अ स्मॉल स्टेप्स, ये कोट है। और फिर पत्री सर से सीखा हूँ उनको, हम आप कभी भी कहोगे कि छोटा सा प्रोग्राम है मेडिटेशन का, 10 लोगों को भी सिखाना है। फिर यहाँ पे नागपुर में एक छोटे से किसी ने घर पे अपने पिरामिड सेंटर ओपन किया हो, सर हम आपके हाथों से इनोग्रेशन करना चाहते हैं। ये लाइव एग्जाम्पल है। नागपुर में एक छोटा सा घर था, उन्होंने अपने छत पे ज्यादा नहीं, छोटा सा रूम था, एक पांच 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 पिरामिड ऐसे, पांच पिरामिड ऐसे लगाए थे। उन्होंने जस्ट एक बार उन्होंने अप्रोच किया पति सर को, सो उन्होंने ना नहीं कहा, मैं कहला मैं आऊंगा। मतलब इनसे पता चलता है कि आपके जीवन में छोटे से छोटे चीजों को भी आप इंपॉर्टेंस दीजिए, तो हम देखते हैं आदमी छोटा सा भी ऊपर आ जाए तो उसके अंदर घमंड आने लगता है। तो ये मेरे में प्रॉब्लम था, तो मैं कभी भी कुछ मिल जाता था मेरे को छोटी सी चीज, या फिर बचपन से बहुत मैंने कहा देखो कुछ भी मिल जाए तो मैं कॉम्पिटिटिव दम बहुत कॉम्पिटिटिव, तो कुछ भी मिल जाए तो मेरे से बड़ा कोई भी नहीं है, कुछ भी कर लूंगा मैं, ऐसा ऐसा एटीट्यूड था मेरा। जब सर से मिला, सर के हाथ से मैंने ये भी स्लैप भी खाया उनके हाथ से, पता नहीं मतलब उनका नेचर है सर। और उसके बाद तो इतना मतलब अच्छा लगता है, एक बार खा के देखिए, हर व्यूअर्स को कहना चाहूंगा एक बार खा के देखिए। तो आपका पूरा गवर्न डवर्न सब निकल जाएगा। तो एक और एक चीज ये मैंने सीखा हो कि आप हमेशा ग्राउंड टू अर्थ रहिए, लोगों के लिए सोचिए। तो एक छोटा सा चीज याद आ गया मेरे को, आपसे अभी शेयर कर रहा था, तो भगवत गीता में एक इंस्टेंस है, जैसे कि अर्जुन के अंदर जब एक विचार आता है कि यस आई विन दिस बैटल, आई आई एम द विनर, उनके मन में ऑब्वियसली इतना बड़ा जब युद्ध महाभारत। इतना बड़ा वॉर जब कोई जीतता है, इट्स बट ऑब्वियस उसके मन में एक छोटा सा हम तो पैदा होता ही है, तो उनके भी मन में आया था। तो जैसे एंड में, ये बहुत अच्छी स्टोरी है, एंड में ऐसा होता है, श्री कृष्ण भगवान जी कहते हैं पार्थ दो दो मिनट के लिए साइड में आके खड़े रहिए। तो जैसे अर्जुन थोड़ा दूर जाके खड़े रहते हैं, और फिर कृष्ण भगवान जैसे ही पहला स्टेप रखते हैं जमीन पे, रथ फाट से ब्लास्ट होता है, पूरा पूरा रथ ब्लास्ट हो जाता है। तो इस टाइम पे नहीं क्या, दो चीजें का दो चीज डिमोलिश होती है, डिस्टर्ब होती है, एक रथ पूरा डिमोलिश हो जाता है, और अर्जुन के अंदर का जो घमंड था, अहम था, पूरा मिट जाता है। बिकॉज तब उनको पता चलता है नहीं भाई, जो भी था ये कृष्ण भगवान के कारण था, मैं तो बस एक निमित्त था, मैं बस वो थे इसलिए मैं जीता। तो इसलिए फ्रेंड्स जो भी आज मेरे को सुन रहे हैं उनको मैं बताना चाहूंगा, अपने लाइफ में एक फ्रेंड रखिए, एक गुरु रखिए, मैं तो कहूंगा फ्रेंड रखो, गुरु तो रखिए मत। खुद पत्री सर भी कहते हैं, जितने बड़े बड़े पर्सनालिटीज है वो कहते हैं कि आप अपने जीवन में फ्रेंड रखिए। देखिए आप पूरी भगवद गीता भी पढ़ोगे ना, उसमें कृष्ण भगवान ने एक बार भी ऐसा नहीं कहा स्टूडेंट, ऐसा कोई शब्द लिखा ही नहीं। स्टूडेंट को क्या कहते हैं संस्कृत में, शिष्य, शिष्य नाम का पार्ट। कोई शब्द ही नहीं है। उन्होंने कंटिन्यू पार्थ, मित्र, ये सब वर्ड्स आप देखोगे जब, वेन एवर ही एड्रेस टू अर्जुन, यू गोना सी, यू गोना रीड द वर्ड पार्थ एल्स, हाँ सो मित्र या फिर पार्थ, ऐसा करके उन्होंने एड्रेस किया अर्जुन को। इससे एक और चीज हमें सीखने मिलती है दोस्तों, कि आप अपने कंपेनियंस, जो भी आप अपने गुरु मानते हो, उनको फ्रेंड बना लीजिए। और फ्रेंड्स के कारण कैसा, इसका रीजन बताता हूँ मैं, इसका भी साइकोलॉजिकल और साइंटिफिक रीजन बताता हूँ। अर्जुन ने कृष्ण भगवान ने अर्जुन को इसलिए फ्रेंड बनाया ताकि वो लेवल जो है ना वो ऊपर नीचे ना हो, बिकॉज जब लेवल ऊपर से नीचे ऐसे होती है ना, तब वो डायरेक्ट मैसेज नहीं जाता है। तो सबसे पहले तो उन्होंने कभी जनरेट ही नहीं किया अर्जुन के मन में कि मैं आपसे बड़ा हूँ। सेम सेम पर्सनैलिटी आप देखोगे पत्री सर में, वो कभी भी किसी को ऐसा मतलब मैं बड़ा वैसे कभी नहीं दिखाएंगे, कितने बड़े बड़े काम कर देंगे वो कभी दिखाते नहीं। एक्चुअली ये पर्सनैलिटी हमें भी आने को ना दोस्तों, जितने भी ग्रेट पर जैसे अभी इससे भी सीखना है तो बहुत कुछ सीखने मिल सकता है। अभी एग्जाम्पल लेता है, MS धोनी वर्ल्ड कप जीत ले, कुछ भी जीत ले, इंटरव्यू में क्या कहेगा, मेरे कारण जीता, कभी नहीं कहेगा। इट्स ही विल
simply say the all the, we won the match just because of the efforts that boys have put it on. So wherever you go, Lata Mangeshkar ji ke sath ek interview hua tha jo maine suna tha achhi se, to unhone credit liya hi nahi. Credit lena kabhi sikhe hi nahi. Bade log jo hote hain wo kabhi credit lete hi nahi. They are credit givers. So the simple thing we gonna learn from Patri sir is that start giving credit, because nature ka ek rule hai, when you start giving to its nature, it will going to return it to you. Wo bounce back hoke aapko multiply hoke aapko milega. Bahut bada message hai ye. आप इसको नोट भी करके रख सकते हैं, बिकॉज आप जब नेचर को एक छोटी सी बीज देते हो ना, तो आपको उसके बदले में 2000 बीज मिलती है. एक छोटा सा आम का बीज आप बोइए, आपको 5-10 साल में आपको हजारों आम मिलेंगे. तो इससे भी आप सीख सकते हो. तो यही एक चीज है दोस्तों, मेडिटेशन जब आप करते हो, आप छोटे छोटे चीजों से सीखते जाते हो, आपकी नजर जो है वो तीक्ष्ण होती लगती है, आप कभी रुकते नहीं हो. ये एक छोटा सा चीज मैंने सीखा हो दोस्तों. बहुत बढ़िया सर. मतलब मैं बस आपको सुन के इतना सरप्राइज हो रही हूँ कि इतनी छोटी उम्र में आपने कितनी सारी चीजें एक्सपीरियंस कर ली हैं, जस्ट बिकॉज यू हैव कंटिन्यू डूइंग मेडिटेशन रेगुलरली इतने सालों तक. मतलब वन सेकंड, आई वुड लाइक टू से आई एम डूइंग नथिंग, ऑल दिस थिंग इज जस्ट बिकॉज ऑफ माय गुरु पत्री सर एंड माय मॉम डैड. जो मैं अभी कहा उसका इम्प्लीमेंटेशन कर रहा हूँ. वी आर नथिंग, वी आर जस्ट द वे. मीन्स जैसे कि एक और एक चीज डालना चाहूंगा, हम कुछ भी नहीं है. अगर हम ऐसे सोचने लगते हैं कि अगर मैंने ऐसा किया, ये मेरे कारण हो रहा है, जब ये अपन सोचते हैं ना, एक थॉट अपने माइंड में लाए दोस्तों, अगर आप नहीं होंगे ना इस सिचुएशन में, तो भी ये काम होगा. कुछ काम होना है, वो होने ही वाला है. आप तो बस एक नियमित है, आप तो बस एक वे जरिया है उस चीज को होने के लिए. जैसे कि आज हम कुछ चीज शेयर कर रहे हैं, अगर मैं ना करूं तो कोई और करेगा. जो भी होना है वो होता ही है, जो भी होता है वो अच्छा ही होता है. ये भी एक थॉट मेरे अंदर आया, मेरे साथ कभी बुरा भी हुआ ना, तो भी मैं अच्छे ही होता ऐसा कहता हूँ. उस दिन मेरे को चौक पे एक आदमी ने ठोक दिया, मैं से जा रहा था गाड़ी से, मेरे को ठोक दिया, तो भी मैं जस्ट मेडिटेशन करके सेंटर से आ रहा था, तो मैं वेरी पॉजिटिव एंड एनर्जेटिक, मैंने उसको थैंक यू बोल के हंस दिया. तो ही वॉज लाइक, भाई क्या बंदा है तू, मतलब क्या ही है. उसने मेरे को गाली निकल रही थी उसके मुंह से, बट मैंने जब उसको थैंक यू बोल दिया, वो बोला क्या भाई स्क्रू गए ढीले है तेरे, ऐसा बोल के हंस दिया उसने. तो मैं भी हंस दिया, और फिर यू कैन सी उसके अंदर भी वो मिट गया, मेरे अंदर भी मिट गया. तो इतना सिंपल है दोस्तों, जीना कितना आसान है. हम फालतू उसको इतना कॉम्प्लिकेट करते हैं. अननेसेसरीली वी आर मेकिंग सो मच कॉम्प्लेक्स थिंग्स इन योर लाइफ. लिविंग अ हैप्पी लाइफ इज वेरी इजी. जस्ट डू व्हाट यू लव, डू समथिंग व्हिच यू कैन कंट्रीब्यूट टू अदर्स, टू सोसाइटी, टू योर फैमिली. दैट्स द थिंग आई वांट टू से, डियर फ्रेंड्स. यस, बट इन ऑल ऑफ दिस there is only one thing that has made this possible, that is meditation. Yeah, that's the driving force. It's but obvious, because it's written on the stone. Meditation jo hai na, wo driving force hai. Ye aapko sahi raste pe rakha rahega. Dekhi, haan, ek aur ek cheez main kehna chahunga. Fir se ek bar Bhagavad Gita se jodta hu is cheez ko. Dekhiye, Bhagavad Gita mein do character the, जो आप सब जानते ही होंगे. एक अर्जुन था और एक ये था कर्ण, उसे कॉम्पिटिटर. तो आप लोगों ने अगर भगवद गीता पढ़ी तो आपको पता होगा, कर्ण के पास नहीं, अर्जुन से भी ज्यादा ताकत थी. ये सो मेनी स्किल्स, ही वाज मास्टर इन आर्चरी, और ऑब्वियसली अर्जुन वाज आल्सो मास्टर इन आर्चरी, बट कर्ण वाज अ वेरी वर्सेटाइल कैरेक्टर. सो दिस थिंग, इसी पॉइंट से आप एक और एक चीज सीख सकते हो. बट किसका विनाश हुआ युद्ध में? कर्ण का हुआ. अर्जुन का वो क्या नहीं, बिकॉज वाई, ही वॉज ऑन द साइड ऑफ धर्म एंड कर्ण वॉज ऑन द साइड ऑफ अधर्म. तो ये चीज आपको देखनी दोस्तों, यू शुड ऑलवेज साइड रिसाइड ऑन द साइड ऑफ धर्म. आप धर्म के पाथ पर ही चलिए, आप कितना भी कुछ भी कर दीजिए, बट अगर आप अधर्म के पाथ पे हो तो आपका विनाश पक्का लिखित है, लिखित. आप कितना भी पैसा कमा लो, आप कितना भी रिस्पेक्ट कमा लो, बट अगर जो बंदा सीधे रास्ते पे चलते, धर्म के पाथ पे चलता है, भले उसको लग रहा है आज मैं, मेरे पास कुछ भी नहीं है, बट ऑन द अदर डे यू गोना गेट सक्सेस, दैट्स रिटन ऑन द स्टोन. ये पत्थर की लकीर है, और ये मेडिटेशन ही आपको सिखाएगा. मैं बता रहा हूँ ना आपको, मैं बहुत ज्यादा अलग डायरेक्शन में जाता था, बहुत सारे एडिक्शन थे. अब ऐसा हो गया, मेडिटेशन ने इतने मिरेकल्स कर दिए कि बस आपने मतलब सुनी ली है. हाँ, सब छूट गया, मतलब सब छूट गया, ऐसा नहीं, मतलब ट्रैक पे आ गया. और
ऑब्वियसली सब छूट गया, भारती सर का मैसेज ही है 50% अटैचमेंट 50% डिटैचमेंट, आपको सब करना ही है, ऐसा नहीं कि आप एकदम अभी एकदम योगी बन जाओ एकदम, मतलब उनका तो कहना है योगी बनो, पर अभी ये युग का योगी बनो, डेफिनेशन ही वही है कि आपको बैलेंस करना है, आपको वो अलग उस टाइम का योगी का डेफिनेशन लगता है, ये टाइम का डेफिनेशन योगी का अलग है, आपको ये युग में पैसा पैसा कमाना भी है और स्पिरिचुअल भी रहना है और फिजिकल सब एंड करना है, स्पिरिचुअल दोनों लाइफ को बैलेंस करना है, दोनों दोनों रहना है। तो ये बहुत लोगों में एक जो मिसकंसेप्शन होता है जो अभी अभी बिगिनर्स है इस एसोसिएशन में या फिर स्पिरिचुअलिटी पाथ में चल रहा है कि भाई अपने को स्पिरिचुअल बनना है यानी अपने को सब मोह माया छोड़ना, ऐसा नहीं है भाई, वो ऐसा नहीं, बिल्कुल गलत है ये बिल्कुल गलत है। पति सर की स्पीच में आप सुनिए, ओशो ने भी बहुत अच्छी डेफिनेशन दी इस चीज की, ओशो तो उस टाइम पे कह के चले गए हमने सुना नहीं, तो ये एक चीज है कि हमको सब करना है इस युग में रह के, इस जनरेशन में रह के, 21st सेंचुरी में रह के हमें स्पिरिचुअल बनना है, वो सबसे बड़ा चैलेंज है, वो तो बहुत आसान है, हिमालय में जाके रह लो, वो तो इट्स वेरी इजी, यू कैन छोड़ दो, अल्टीमेटली चैलेंज वर्ल्ड में रह के ऑब्वियसली कितना आसान है, मतलब आप जिम्मेदारी को छोड़ रहे हो ना, अगर वो उस टाइम का सन्यासी आपको बनना है तो आप जिम्मेदारी को छोड़ रहे हो, आपने अपने परिवार की जिम्मेदारी छोड़ दी, वहां पे क्या सन्यासी बन जाओ, बैठो जो करना है करो, फोकस्ड इन ओनली वन थिंग। असली मजा तो इसमें ना, कितने चैलेंजेस है देखो, सुबह उठने के बाद में मतलब अपनी हेल्थ देखो, फिर फैमिली देखो, फिर गर्लफ्रेंड देखो, सब देखो, एकेडमिक देखो, सबको मैनेज करते हुए, मतलब सब करना है, यही सीखा हूं मैं पति सर, सब करना है, सब करना है, सब करना है, ये मैसेज देना चाहूंगा सबको मैं। और सर लास्टली आपको कोई और मैसेज देना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स को? अल्टीमेटली आपने जो इतनी सारी बातें कही वो तो अपने आप में ही बहुत भरपूर है, फिर भी लास्टली एनीथिंग यू वांट टू कन्वे टू द यंगस्टर्स? यस, लास्ट बट नॉट द लिस्ट आई वांट टू से, आपके जो विजन है, मेन गोल है, वो आप दूसरों के लिए रखो, ऐसा नहीं कि स्वयं के लिए रखो, जैसे आप मेडिटेशन करते हो। हाँ, अभी एक रिसेंट एक्सपीरियंस बताऊंगा, मैं बहुत मतलब ऐसा पर्सन हूँ, क्वेश्चन करते रहता हूँ, बच्चे जैसे क्वेश्चन पूछते रहता हूँ, तो मैं पापा को ऐसे पूछ रहा था, पापा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पत्री सर एंड मी, सो दोस्तों ये आंसर सुनो, उन्होंने बहुत ही सुंदर आंसर दिया, मैं खुद सुनने के बाद हैरान हो गया था। द आंसर ही गेव ना, उन्होंने कहा बेटा तू ध्यान अपने लिए करता है, पत्री सर ध्यान सबके लिए करते हैं। ये आंसर में बहुत गहराई है, बहुत गहराई है, बहुत ही बड़ी गहराई, मैं खुद ताली मैं पापा बोले वापरे कितनी बड़ी बात कह दी आपने, सो आई वॉज लाइक शॉक्ड एट दैट टाइम। सो मैं यही मैसेज देना चाहूंगा दोस्तों, खुद के लिए तो जिन लोग जीते ही है यार, वो तो लेके आते हैं, ऊपर से लेके आते हैं, जिस दिन आप दूसरों के लिए जीना चालू कर दोगे, आपकी जिंदगी बदल ही जाएगी, आपके एक्सपेक्टेशन खत्म हो जाएंगे, जिस दिन एक्सपेक्टेशन खत्म हो गए आपके, आप एनलाइटेंड हो गए, तो सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा आपको जिंदगी में कुछ भी करना है, जो भी बनना है आपको, आपको लीडर बनना है, आपको बहुत पैसा कमाना है, आपको जो भी कुछ करना है, आपको सबसे पहले मेडिटेटर बनना पड़ेगा, फर्स्ट पॉइंट, सबसे पहले मेडिटेटर बनना पड़ेगा, स्पिरिचुअल बनना पड़ेगा, मेडिटेटर बनना स्पिरिचुअल बनना एक ही बात है, आपको रोज करना पड़ेगा साथ में, जैसे कि पत्री सर ये बात जोड़ पॉइंट्स पे जोड़ा नहीं उन्होंने कि ध्यान करते हुए सिखाओ करके, वो बट कहते कई बार है, जैसे उन्होंने के जो तीन पॉइंट्स है, ध्यान करिए, सज्जन संगत करिए और स्वाध्याय करिए, मतलब जो स्पिरिचुअल बुक्स है वो पढ़िए। तो मैं इसमें चौथा पॉइंट ऐड करना चाहूंगा दोस्तों कि इसमें आपको ध्यान रोज सिखाना है, दिन में हार्डली 15-10 मिनट दो यार दोस्तों, देखो यूट्यूब पे वीडियो देखने में उतने टाइम चले जाता है, मैं तो कहता हूँ मेरा फिलोसॉफी यही है, आप जो अपने अंदर चेंजेस देखना चाहते हो ना, आप वो बोलना चालू कर दो, जैसे कि ये बहुत एक्चुअली इस पॉइंट पे मैं भी थोड़ा बहुत स्वार्थी हूँ यार, अब मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ आपको, बता रहा हूँ कि आपको ध्यान करना है, ध्यान करना है, ध्यान करना है, बट इनडायरेक्टली व्हाट आई एम टेलिंग माई सेल्फ ना कि यस यू हैव टू डू मेडिटेशन, तो ये होने ही वाला है, जब आप दूसरे को कहोगे आपको रोज ध्यान करना है आधे 40 मिनट, हाँ 40 मिनट तक ध्यान करना, जो कई अभी 1.5 साल 2 साल हो चुके हैं, 40 मिनट से कम ध्यान मत करना, बिकॉज इट इज साइंटिफिकली प्रूवन टाइम कि इस 40 मिनट तक आदमी कुछ भी फोकस, किसी भी चीज में फोकस रह सकता है, पर 40 मिनट के बाद वो कर रहा है तब असली ध्यान लगता है, ये आप एक्सपीरियंस करना दोस्तों, आप 45 आज 40 मिनट तक करो, कल 45 तक करो, 45 मिनट तक, आप देखना खुद ही देखोगे, आप डिफरेंस देखोगे, 5 मिनट भी यार इतना ही हो जाता है ना, और
कुछ कुछ एक्सपीरियंस नहीं कर मिनटों के रहते हैं, 1 मिनट में भी बहुत खतरनाक एक्सपीरियंस आ जाता है। तो ये मैसेज मैं देना चाहूंगा दोस्तों, ध्यान सिखाना चालू कीजिए। जैसे कि जब मैंने चालू किया मेरे अंदर बहुत ट्रेमेंडस एक्सपीरियंस आने लग गए। और एक चीज जो भी मेरे को स्टूडेंट सुन रहे होंगे उनको मैं कहना चाहूंगा कि जब आप कुछ पढ़ते हो, जैसे कुछ भी आप पढ़ाई करते हो, तो वो भी आप सिखाना चालू कर दो। जैसे कि आज आपने कोई टॉपिक पढ़ा, तो आप अपने जो अपने से जो छोटा बच्चा मतलब अपने से जो कमजोर विद्यार्थी है उसको सिखाना चालू करो। तो बेसिकली बताने की बात एक ही है जो मैं कहना चाह रहा हूँ, मोरल ऑफ द थॉट कि आपको जिसमें भी एक्सेल करना है, आपको जो भी अच्छी काम करना है उसको आप बांटना चालू कर दो। ठीक है, लास्ट बट नॉट द लिस्ट एक एग्जाम्पल के साथ मैं सिखाना चाहूंगा जो ये पॉइंट अभी मैंने आपको रखा कि वैल्यू एडिशन। आप ये देखिए कि कितना दे रहे हो। तो जनरल टेंडेंसी लोगों की मैं देखते जाता हूँ, ऑब्जर्व बहुत करता हूँ मैं, तो लोगों की टेंडेंसी होती है कि साला मेरे को मिलता है कितना है, मेरे को कितना मिल रहा है, ये बहुत बहुत छोटी सोच है लोगों की। तो जब आप देखोगे जो जो पर्सन जो पर्सनैलिटी ऐसा सोचता है कि मैं कितना दे रहा हूँ वही जीवन में सक्सेसफुल बनता है। इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको प्रैक्टिकल एग्जाम्पल बताता हूँ मैं जिससे आप रिलेट कर सकोगे। एक एग्जाम्पल ले लो राजू चाय वाला, दूसरा ले लो डॉक्टर राजू। तो राजू चाय वाला क्या करता है, दिन भर में चाय बांटता है। वो क्या वैल्यू एड कर रहा है, लोगों को चाय पिलाता है, उसका क्या 10 रुपए 15 रुपए लेता है, उसका उतना उसको रिटर्न मिलता है। ठीक है, और दूसरा बात डॉक्टर राजू वो क्या कर रहे हैं, ही इज एडिंग मोर वैल्यू टू द अदर पर्सन। उन्होंने क्या किया, उन्होंने आपका कुछ ऑपरेशन किया, आपका ऑर्गन आपको मरते मरते बचा दिया, तो वैल्यू इंस्टेंट ही जो उसको मिल रहे उनको मिल रही है सर को वो ज्यादा है। तो इससे हम क्या सीख रहे हैं दोस्तों कि जितना आप वैल्यू ऐड कर सकते हो आगे वाले लाइफ में, जितना आप आगे वाले को सिखा सकते हो उतनी आपकी वैल्यू बढ़ने वाली है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये पूरा पूरा सेशन का मॉरल समझ सकते हो, मतलब इसका एग्जांपल पत्री सर से लेता हूँ। पत्री सर ने जितने लोगों की जिंदगी बदली उतना उतने ही बड़े होते गए। मतलब वो पहले से बड़े तो है बट उनका हमेशा मोन मोटो वही होता है कि हमें कितना दे सकता हूँ। रोज सुबह ये इससे उठते हैं कि मैं आज क्या कर सकता हूँ। उनकी एज देखिए आप, उनके अंदर में वो जो उत्सुकता देखते हो ना वो क्यों इतनी ज्यादा, बिकॉज वो दूसरे के लिए जी रहे हो, दूसरे के लिए कर रहे हैं। तो पूरे सेशन का ये जो गिस्ट जो मैं बोलना चाहूंगा कि दोस्तों आप दूसरों के लिए जीना चालू कर दो। आप किसी भी स्टेज में हो, आप एज ए स्टूडेंट हो, आप एज ए बिजनेसमैन हो, आप एज अ टीचर हो, आप एज अ लॉयर हो, आप एज अ सीए हो, जो भी आप काम कर रहे हो ऐसा सोचो ना यार कि मैं कितना दे सकता हूँ। एक बार कुछ दिन तक करके देखो, सुबह उठने से रात के सोने तक की अपने अंदर डालिए कि मैं कितना आज कितना दे सकता हूँ। चलो आज मेरे को कंपनी, आज आपकी सैलरी 50,000 है, आपको दिन भर कितना आता है काउंट कर लो, तो इतना पैसा कंपनी रोज मेरे को दे रही है तो क्या मैं उतना रिटर्न कर पा रहा हूँ, ऐसा एक बार सोच के देखो। मैं इतना रिटर्न कर रहा हूँ, आप देखोगे अपने आप ही अपनी पोटेंशियल बढ़ जाएगी, धीरे धीरे आप अपनी पोटेंशियल बढ़ा दोगे। सो ये मैसेज है मेरा दोस्तों सबके लिए, और ध्यान ध्यान से ही ये सब पॉसिबल होगा। बस यही बताऊंगा, ध्यान करो, ध्यान करोगे तो ये सब अपने आप ही पॉसिबल होगा। जैसे कि मेरे साथ हो रहा है, आज जो मैं सोचता हूँ मेरे को मिल जाता है, लिटरली बताऊंगा जो मेरे को मैं सोचता हूँ मेरे को मिल जाता है, आगे से आके वो हो जाता है। मैं छोटा सा मैसेज डाला था, जो थॉट में डाल देता हूँ माइंड में मेरे साथ मैनिफेस्ट हो जाता है। बिकॉज ये क्यों हो रहा है, बिकॉज ये फिर से बता रहा हूँ 8 महीने पहले जो मैंने सब चालू किया, धीरे धीरे सिखाना चालू किया, जो भी मेरे को नीड में लगता है उनको मैं हेल्प करने के जितना मैं दे सकता हूँ उतना करता हूँ, मेरे को मिल जाता है, आराम से मिल जाता है। तो एक्चुअली मिलने का इसलिए मैं बता रहा हूँ लोगों को, बिकॉज लोग उस ओरिएंटेड सोचते हैं, पीपल पीपल थिंकिंग लाइक दैट इन दैट वे, द टेंडेंसी ऑफ द ह्यूमन इज लाइक दैट, व्हाट आई गेट दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग इन दैट वे। बिकॉज पर इसका अलग पर्सपेक्टिव आप देखते हो, अगर आप एक अच्छे स्पिरिचुअल और अच्छे एलिनेटेड पर्सन हो, आप देखोगे कि आप कुछ देते हो ना तो आपकी एक्सपेक्टेशन होती ही नहीं है, कभी नहीं रहेगी, कभी नहीं रहेंगी। बिकॉज चलो आखिरी एक स्टोरी बता देता हूँ भगवदगीता की। जब बहुत सारे स्टोरी मैं पढ़ते रहता हूँ तो मेरे को अच्छा खासा शेयर करने का अच्छा लगता है, तो कर देता हूँ। जब कृष्ण भगवान ने शिशुपाल का वध किया, 100वीं गलती उन्होंने कहा था, जब तू 100वीं गलती करेंगे, 100 मिस्टेक्स व्हेन यू डू आई विल किल यू। तो शिशुपाल जब 100 मिस्टेक जब उसको कमिट करते हैं तो कृष्ण भगवान अपने सुदर्शन चक्र से उनका वध कर देते हैं। ठीक है, तो उस टाइम पे दूर कहीं पे तो भी द्रौपदी बैठी होती है, तो जस्ट उनका नजर जाती है कि उनकी उंगली से
small cut has been in onto his finger, and one blood starts clotting. So she came near Krishna and tie one piece of cloth, and instead what Krishna Bhagwan says to her ki main aapko ye samay aane pe return karunga. To iske do pehle dosto abhi जैसे मैं आपको कह रहा था कि आप लोगों को बांटते जाइए, आप कुछ करते जाइए, तो लोगों के लिए करना है ना, भगवान के लिए करना है, ये भी एक बात हो गई. जैसे आप ये इंस्टेंस को देख सकते हैं, बिकॉज पति सर का कहना है हम ही भगवान है. तो आज मैं जो कुछ भी लोगों के लिए कर रहा हूँ, मैं भगवान के लिए कर रहा हूँ, फिर भगवान ही उस चीज को कर रहा है, ऐसा आप समझ सकते हैं. तो इसके दो पर्सपेक्टिव है. द्रौपदी ने जस्ट देखा कि खून निकल रहा है, वो आई बांध दिए. उनका कोई इंटेंशन था कि मेरे कुछ मिलेगा? ऑब्वियसली नॉट. बट फिर भी श्री कृष्ण भगवान ने क्या कहा कि आपको वक्त आने पे ये मिलेगा. तो अभी पता चलेगा आपको कि कब मिलता है वो, सबको पता ही है, बट फिर भी अगर बता देता हूं, जब जब पांडु अपना सब कुछ हार जाते हैं गेम ऑफ डाइस में, उस टाइम पे द्रौपदी भी हार दे, द्रौपदी को भी हरा देते वो सब. हाँ, तो उस टाइम पे जब दुशासन द्रौपदी जी को लेके आते हैं और फिर उनका वस्त्रण होता है, मोलेस्टेशन होता है उस टाइम पे, तो उस टाइम पे कोई भी उनको हेल्प नहीं करता है, कोई भी उनको हेल्प नहीं करना. पांडु ना कितने बड़े बड़े लोग थे वहां पे, भीष्म पितामह, फिर ध्रुव, ये कई सारे लोग थे जो ज्ञानी थे, गुरु द्रोण थे, फिर खुद राजा थे, हस्तिनापुर के राजा वहां थे वहां पे, और बाकी कौरव से तो हम कुछ एक्सपेक्ट कर नहीं सकते थे. तो बाकी तो जो भी धर्मी लोग थे उनकी तरफ द्रौपदी ऐसे हाथ जोड़ जोड़ के हेल्प करती, पर कोई हेल्प नहीं करता. बट सबसे लास्ट में जब द्रौपदी कृष्ण भगवान को याद करती है, तो उनको फुल हेल्प करते हैं, एकदम इतना हेल्प करते हैं कि वो दुशासन से पूछ सकते हैं आप लोग खिच खिच के थक गया था. तो मॉरल ऑफ द स्टोरी यही है दोस्तों, आप इतनों सा भी रिटर्न करेंगे, आपको भरपूर मिलने वाला है. ऑब्वियसली ऑब्वियसली आपको मिलने ही वाला है. आप देना ट्राई कीजिए, देना चालू कर दीजिए, और जब तक के मिलेगा नहीं ना, तब तक के रुकना मत भाइयों. बिकॉज ये भी मैंने देखा हूँ, मैं जब किसी को सिखाता हूँ तो सोचते आज मैं ध्यान कर रहा हूँ, कल ही मैं एकदम ये हो जाऊंगा, कल मेरे से सारे प्रॉब्लम हट जाएंगे. और एक चीज, एक पॉइंट, ध्यान करने के बाद सब प्रॉब्लम हट जाएंगे ऐसे बिल्कुल सोचो मत दोस्त. बिकॉज यार आप लोग कभी वो हॉस्पिटल में गए हो, तो जो डब्बा लगा रहता है ना वो पेशेंट के बाजू में, जब तक के ऊपर नीचे आते रहते तब तक की जिंदगी चालू रहती है उनकी, मतलब वो जिंदा है, हम ऐसे समझते हैं. सेम उसी तरह से जब तक कि आपके लाइफ में ऊपर नीचे है, जब तक कि आपके लाइफ में प्रॉब्लम्स है, ट्रबल्स है, प्रॉन्स है, कॉन्स है, तब तक कि आप जीवित हो, उसका सिंबल ही वही, उसका सिम्टम ही वही. सो दैट्स इट दोस्तों, आप ध्यान करोगे इस मोटो से कीजिए कि आपको जो भी तकलीफें आएंगी आपको उसको झेलने की ताकत मिलेगी, और आप लोगों के लाइफ में भी चेंजेस ला पाएंगे. ऐसा नहीं कि आपकी लाइफ की सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाएंगे, वो खत्म तो तभी होने लगे जब आप डेथ, जब आप मर जाओगे उस दिन. बिकॉज पत्री सर के भी लाइफ में अभी आज भी आते हैं, उनको भी चैलेंजेस आते हैं, ऑब्वियसली उनको भी आते हैं कि ये करना है वो करना है. तो ऐसा नहीं कि सब ये हो जाता है, कहने का ही मोटो ये, हम भगवान है यानी क्या, ऐसा नहीं कहते कि आप सब खत्म हो गए, ऐसा नहीं. वी आर गॉड बिकॉज वी हैव द सॉल्यूशन टू ईच एंड एवरी प्रॉब्लम, बट हम उसको क्यों नहीं देख पाते, बिकॉज हम मेडिटेशन नहीं करते. अच्छा, हम उतना अपने आप की लेवल से उतना ग्रो नहीं कर पाते. और ये कब होगा, जब आप ध्यान करोगे, अपनी थिंकिंग बढ़ेगी, आप अपनी थिंकिंग को फिक्स करोगे, प्रॉब्लम अपने आप फिक्स हो जाएगी ना. यू कैन थिंक इट वाइस वर्सा, आपको प्रॉब्लम हटाने हैं तो आपका अपनी थिंकिंग हटा दो, अपग्रेड कर दो. वो अपग्रेड करने के लिए क्या है, ध्यान है. चलो लास्ट एक बार बस ध्यान का एक विधि अच्छी तरह से हम जान लेते हैं क्या होता है लास्ट, बिकॉज ये मेडिटेशन का सेशन था, मैं ज्यादा मतलब इधर उधर कई सारी बातें किया, बट वो रिलेटेड है, बिकॉज ये प्रैक्टिकल चीजें मैं सोच रहा था, प्रैक्टिकल नॉलेज थोड़ा शेयर करूं. तो लास्ट एंड कर देंगे ध्यान के बारे में, एक बार अच्छी से अपन समझ लेते हैं. तो मैं अपने सेशंस में चालू करता हूँ ध्यान कैसे करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, आनापानसति क्या होता है. दोस्तों आनापानसति ये शब्द 2500 साल पुराना है, पाली शब्द, पाली भाषा से लिया हुआ है, जो गौतम बुद्ध ने सीखा हुआ था वही ध्यान हम लोग आज सीखेंगे, पत्री सर हमें सिखा रहे हैं. आन पान सती, आन का मतलब है अंदर आती विश्वास, अपान का मतलब है बाहर जाती विश्वास, सती का अर्थ है उसके साथ हमें मिल जाना है, हमें उसके ऊपर एज वॉचमैन कीप्स वॉच ऑन टू द गेट, हमें उसी तरह बस हमें ऑब्जर्व करना है. सो साइंस बिहाइंड इट, उसके पीछे का साइंस सीखते हैं. सबसे पहले साइंस ये है, जब हम इस ब्रेथ पे ध्यान देंगे
अंदर जाती हुई सांस बाहर जाती हुई सांस पे, हमारा फुल फोकस होगा ब्रेथ पे, ना कि कोई और चीज पे। तो उससे क्या होगा, हम हमारे अंदर कॉस्मिक एनर्जी आना चालू हो जाएगी। यही वो एनर्जी है जिससे हमें सब कुछ मिल सकता है, बिकॉज ये एनर्जी कारण ही हम सब करते हैं, अपनी क्रिया करते हैं, फिर जो भी हमें चाहिए थिंकिंग सोचते हैं, तो अभी हम ये एनर्जी का यूज करते हैं। तो जब अगर हम भरपूर एनर्जी ग्रास्प करेंगे, अटेन करेंगे, तभी जाके हम आगे बढ़ेंगे। तो आनापानासति से ये होता है। अभी हम अभी आनापानासति क्या कहाँ करना चाहिए और किससे करना चाहिए ताकि आपकी इफेक्टिव हो। तो देखो दोस्तों, मेडिटेशन आनापानासति आप कहीं पे भी किसी टाइम पे कर सकते हैं, और उसको करने के लिए आप एक पिरामिड का यूज कीजिए। पिरामिड इज अ साइंटिफिक टूल टू अट्रैक्ट मोर एनर्जी ड्यूरिंग योर मेडिटेशन। ये सिंपली कुछ नहीं, एक टूल है। ये क्या करता है, आपका एनर्जी मल्टीप्लाइड बाय 3 कर देता है। जैसे कि आप देखना चाहोगे, जैसे मंदिर वगैरह भी जाते हो तो आपने देखा होगा जो टोक लगा होता है ऊपर से, तो इट्स लाइक दैट ओनली। हाँ, तो वो एक साइंटिफिक टूल है, एक साइंस है इसके पीछे। वो एक एनर्जी आपको प्रोवाइड करेगा, और उसके साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स आप जब कहता लाओगे आपको दिखे जाएंगे। कई बार वो मतलब प्लांट्स वगैरह एक्सपेरिमेंट करते हैं, फिर कई चीजों पर एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो उनको आप अच्छी तरह से सीख सकते हो। तो दूसरा तरीका ग्रुप मेडिटेशन, ये मैंने कहा नहीं हूँ बट मैं को कहना चाहूंगा, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसके बिना भी ये सेशन अधूरा है। ग्रुप मेडिटेशन में बहुत पावर है, मैं ये हाईली रिकमेंड करूंगा। मेरे जितने भी दोस्त है, जो भी व्यूवर्स है आज मेरे को सुन रहे हैं, उनको मैं कहना चाहूंगा ग्रुप मेडिटेशन के साथ में आप आगे बढ़िए, आपके कई सारे प्रॉब्लम्स सॉल्व होने वाले हैं। बिकॉज ये भी मैं एक्सपीरियंस कर चुका हूँ, जब भी कुछ प्रॉब्लम्स हमारे फैमिली में आए हैं, हम व्हाट वी सिंपली डू बिफोर वी स्लीप, हम सब चार, वी हैव फोर मेंबर्स इन आवर फैमिली, चारों बैठते हैं और सिंपली मेडिटेशन करते हैं, और रिजल्ट्स आर वेरी वेरी गुड, ट्रेमेंडस रिजल्ट्स आर देयर, बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। तो ग्रुप मेडिटेशन का पावर ये है, आप एनर्जी ले सकते हैं, आप इसको एक्सपीरियंस कर सकते हैं जब आप पथरी सर के साथ मेडिटेशन करोगे, और आप जब अकेले मेडिटेशन करोगे, आप देख लेना कैसा आपको फील होता है। इसका ये एक है, जब आप ग्रुप में भी बैठोगे फैमिली के साथ, तब आप सेम मेंटेलिटी के साथ बैठोगे, तो आपके प्रॉब्लम अपने आप सॉल्व हो जाएंगे ग्रुप मेडिटेशन सेकंड में। ये मैं बता रहा हूँ किस तरीके से आप अपना मेडिटेशन इफेक्टिव तरीके से कर सके। पहला पिरामिड बताया, दूसरा ग्रुप मेडिटेशन बताया, तीसरा नेचर। नेचर के पास वो ताकत है जो आपको मिलेगी, तो आपके हर सारे प्रॉब्लम्स को झेलने की और उसको टैकल करने की ताकत आपको मिलेगी। नेचर के साथ आप मेडिटेशन करके देखिए, ट्रिमेंडस रिजल्ट्स आपको मिलेंगे, बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। फोर्थ पूर्णिमा मेडिटेशन, पूर्णिमा और अमावस्या दोनों, फुल मून एंड ब्लैक मून, उसमें आपको बहुत एनर्जी मिलेगी। 15th को आ रही है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। और हाँ, और अभी बेंगलोर में बहुत अच्छा इवेंट होता है, अगर आपको टाइम मिला तो जरूर जाइए। हाँ, तो अभी अब हम स्टूडेंट्स वगैरह तो हमको टाइम नहीं मिल रहा फिलहाल, तो मैं हॉलीडे रहा तो 100% कह रहा था, बट और एक बार दिसंबर को तो जाइए, कितना भी कुछ भी हो जाए। मैंने कहा कह रखा मेरे मम्मी पापा को, मेरे को साल भर में कहीं भी मत ले जाओ आप, ना कोई हॉलीडे इस पे ले जाओ, बट मेरे को वहां जाने की परमिशन देना, वहां मेरे को जाना ही है। जैसे कि स्टार्ट में मैंने आपको कहा था, मोबाइल जैसे आप चार्ज करते हो, वैसे एक बार बॉडी चार्ज करने के लिए आप जाइए, और उसके अनुभव आप खुद बताना। मेरे अनुभव में बताता हूँ, एक बार एक लास्ट बता देता हूँ। दिसंबर से जब हम आए, मतलब 31 दिसंबर को जब मैं आया नागपुर में, वो एनर्जी 7-8 दिन की इतनी खतरनाक एनर्जी रहती है, वो पूरा महीना भर तक इतनी चलती है। मैं बताता हूँ, मैं 12 बजे सोता था और 4 या फिर 5 बजे उठ जाता था, और वही एनर्जी जितना मैं बात कर रहा हूँ उससे भी खतरनाक एनर्जी मेरी रहती थी उस टाइम पे, जनवरी फरवरी में। तो आप जरूर इस चीज को एक्सपीरियंस कीजिए दोस्तों, और वहां तो और ही खतरनाक एनर्जी रहती है। वहां डांस, मस्ती, मेडिटेशन, खाना, ग्रुप मेडिटेशन, सब करते हैं हम। मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस है, वहां पे बॉनफायर चालू था, तो मेरे को डांस बहुत पसंद है, मैं रुक नहीं सकता, गाना बज रहा तो मैं जाके बस नाचने लग जाता हूँ। तो हम लोग सुबह 4 बजे का मेडिटेशन होता है, वो तो करना ही होता है, तो बट 12 बजे वहां बॉनफायर चालू हुआ, तो मैं अपने आपको बस मैं बेड पे जा रहा था, मेरे को बस ऐसे एकदम याद आवाज जो सुनाई दिया, तो बोले अरे नॉर्थ इंडियन वाले वहाँ बॉनफायर कर रहे, तो बस जस्ट दौड़ के गया। सेकंड लास्ट डे की बात है, तो हम 12 बजे से 2 बजे तक वहां पे डांस किए, बॉनफायर में मस्ती की, बहुत नाचे, इतना मजा आया। फिर वहां से आया हम, मैं 2 बजे के बाद भी वहां लोग नाच रहे थे, बट मैं वहां क्यों आया था, ध्यान करने के लिए, तो मैं बस 2 बजे वहां से आ गया। बोला सुबह 4:30 बजे तो उठना ही पड़ेगा यार, बिकॉज
सुबह का मेडिटेशन मत छोड़ना, वहां जाओगे तो बिल्कुल मत छोड़ना। जो यस 5 बजे से 8 बजे तक का होता है पत्री सर के साथ होता है, वो बहुत बहुत क्लासिक होता है। तो मैं इफेक्टिव जस्ट 2 बजे में बैठा, फिर बताया ये पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड में बताता आपको। मैंने बस अभी बैठ कर बोला, अभी 2 बज गया, मैंने बस आंखें बंद किया और मैं बोला यश यू हैव टू वेक अप ऑन 4:30, बस इतना बोला। जस्ट 2 मिनट के लिए आना पाना सा सो गया। फ्रेंड्स यू वोंट बिलीव, और मैंने ये भी कमांड दिया था कि मेरे को उतनी एनर्जी दे देना कि दिन भर चल सकूं, नहीं कि 2 घंटा में सो जाओ फिर दिन भर में ऐसे मतलब एनर्जी थोड़ी लो रहे, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो मैंने कमांड दिया और लिटरली मेरे इतनी गहरी नींद लग गई थी और 4:30 बजे डॉट उठ गया। उठने के बाद वही सेम फीलिंग थी, देख रहे हो कितना पावर है, बहुत पावर है। वो जगह में भी पावर है और अपने माइंड में भी पावर है, दोनों जब मिल जाते हैं बहुत खतरनाक एनर्जी मिलती है। और उस दिन तो एकदम हाई लेवल पे था, मैं ऐसा कमांड दिया और मेरे को इतनी एनर्जी मिल गई थी। 4:30 बजे उठा और मैं जस्ट गया, आई टेक अ बाथ एंड देन मेडिटेशन किया, तो बहुत अच्छे एक्सपीरियंस है। 5 से 8 मैंने मेडिटेशन किया और बहुत बहुत दिन भर इतना एक्टिव था, बहुत मस्ती की। सो ये रिकमेंडेशन जो आप मेरे को कह रहे थे कि क्या मैसेज होना चाहिए, वहां जाइए एक्सपीरियंस कीजिए, मैसेज है लास्ट वाला। और थैंक अभी यू सो मच सर, हाँ थैंक यू सो मच। सो एट द एंड ऑफ दिस सेशन आई वांट टू थैंक आरती मैम फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी, दिस वंडरफुल अपॉर्चुनिटी टू शेयर माय एक्सपीरियंसेस। आई नो इट इज आवर टीम, दैट्स इट आवर टीम नहीं। ओके, आई वांट टू थैंक टू होल मॉम टीम, मिरेकल्स ऑफ मेडिटेशन फॉर गिविंग मी दिस वंडरफुल चांस शेयरिंग एंड ग्रोइंग, शेयरिंग एंड ग्रोइंग, शेयरिंग इज ग्रोइंग, दैट्स द मोटो एंड दैट्स द थिंग PSSM taught me. Great, sir, great. आपकी बातें सुनके इतना इंस्पायरिंग और एनर्जेटिक फील हो रहा है, एंड यू कंटिन्यूअसली आर सेइंग फ्रॉम द लास्ट 1.5 आवर कि मतलब मैं इमेजिन कर सकती हूँ कि व्हाट काइंड ऑफ एनर्जी यू माइट हैव एनर्जी बिकॉज़ यू नो मैं बस जब भी बात करता हूँ तभी इतना बात करता हूँ, फिर इसके बाद मैं फिर एकदम ये हो जाता हूँ, फिर एक्चुअली मौन का जो होता है फील हो रहा है, अपना कंसिस्टेंटली मेंटेन भी करके रखे हो ना वो सब, that energy you are consistently maintaining as well, so it's very wondrous, wonderful thank to you hear. So much. Thank you so much for joining us. और अपने था. अनुभव आप लोगों के साथ बांटिए, इतने सारे जो आपके inspiring views हैं आप लोगों के साथ बांटिए, because it is very helpful and yes you know in such a small stage you have achieved so much, so ये बहुत inspiring होगा सबके लिए. Thank you so much still for so many us. Things are going to Still, so many things are in the way. So many things I want to achieve. Yes. And at the end of the session, I want to invite people, those who have problems or those who learn meditation. I'm always ready. Yeah. मेरे से अच्छा पत्री से सीख सकते हो, but आपको कुछ भी problem हो, या फिर कुछ भी हो, you can contact. और जैसे कि मैं एक और चीज करता हूँ, जैसे मैंने कहा goal manifestation पे मेरा बहुत अच्छा मतलब command है, मैं सिखाता हूँ. हाँ, session लेता हूँ मैं. How to achieve, how to prepare your vision boards. Description में. Yeah, sure. Contact you. How to create your vision boards, how to create proper vision goal, किस तरह से उसको manifest करना है, किस क्या सेट करके, क्या मोटो रख के आपको उसे सेट करना है, लाइफ पर्पस के बारे में जो मैंने थोड़ा बहुत मैं सीखा हूँ मेडिटेशन से. Yeah, all these things came from meditation itself. So definitely I am always ready to help others, and at the end I want to thanks to Patri sir, thanks to PSSM, thanks to mom, Miracles of Meditation, thank you so much, thank you so much.